हेलो 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 हेलो। सो गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रिबा, गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग लक्ष्य, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इतिशा, गुड मॉर्निंग मुरारी झा। हेलो चलो 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 चलो। सो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सीए इंटर लॉ। और सर, हमको लॉ से बहुत डर लगता है, बट आज से नहीं लगेगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मस्त एकदम अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पर सर 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 सर, रुको तो रुको तो रुको तो, आप पहले ये तो बताओ कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं। चलो पहले वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, और धीरे धीरे बहुत लेवल अप होगा। ठीक है, चलो। सर प्लीज टीच इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, यू मैनेज थोड़ा सा। ठीक है, चलो आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर एंटरिंग इन टू सी ए इंटर। और देखो, अभी जो रिजल्ट आया ना फाउंडेशन का, वो आया आपका सिर्फ और सिर्फ 14% रिजल्ट। ठीक, जस्ट 14% रिजल्ट में क्लियर करना इज इट सेल्फ अ बिग थिंग। और उसको क्लियर करके अब अपन आए हैं सीए इंटर में। ठीक है, जो सीए इंटर है ना, इट इज मच मच बिग लेवल एज कंपेयर टू फाउंडेशन। ठीक, हम बेटा जैसे फाउंडेशन में पढ़े ना, वही वाली अप्रोच लेकर अगर हम इंटर में चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट अब काफी कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक, थिंग्स आर गोइंग टू बी मच बिग, मच टेक्निकल, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, उतने ही साथ साथ वो इंटरेस्टिंग भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कि मतलब सर इतना टफ हो जाएगा कि हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुमको समझ में आएगा, बट अपने एफर्ट्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, यू आर एट फाउंडेशन लेवल, यू गिव दैट मच एफर्ट्स। अब आप इंटर पे आ गए हो तो इंटर के लेवल आपके और बढ़ जाएंगे, आप फाइनल पे पहुंचोगे तो उसके लेवल आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? सर क्या इंटर हम फर्स्ट शॉट में निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूटली यस। द वे यू स्टडीड इन क्लास 12th, द वे यू स्टडीड इन फाउंडेशन, अगर आप वैसे ही पढ़ोगे इन द इंटर, सो आप इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ये है वो है, अरे कुछ नहीं है यार, फाउंडेशन में भी तो था, यहां पे भी निकल जाएगा, वहां निकला, यहां भी निकल जाएगा। ठीक है, बट बशर्ते सब्जेक्ट टू कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो बहुत सॉलिड तरीके से करनी है। ठीक है, ऐसे मजे लेके पढ़ेंगे अपन तो फिर कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू बी सुपर ब्रिलियंट एट द लेवल ऑफ इंटर। और देखो आप, मैं आपको तो यही बोलूंगा कि आप एक ग्रुप दो ग्रुप, अभी मैं इस सबके डिस्कशन पे जाने नहीं वाला कि एक ग्रुप की बात हो रही है, दो ग्रुप की बात हो रही है, या हम कौन सा ग्रुप दें कौन सा ना दें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंगल डबल ये सब बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इतना फोकस रखो कि आई हैव टू स्कोर एग्जेम्पशन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बस मुझे हर सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन चाहिए, मतलब चाहिए, आई वॉन्ट मिनिमम 60 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मेरे को 60 से नीचे बात ही नहीं करनी है। ठीक, और स्पेसिफिकली जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, उन लोगों ने फाउंडेशन भी नहीं दिया, दे आर एंटरिंग डायरेक्टली इन टू इंटर लेवल। और जब आप डायरेक्टली इंटर लेवल पे आ रहे हो, सो दिस इज द फर्स्ट लेवल फॉर द आपकी सीए का जर्नी का। तो आप सोच के देखो, जो इंटर का लेवल है ना, दिस इज द बेस फॉर द फाइनल लेवल। ठीक है, आप फाइनल में क्या पढ़ने वाले हो उसका एक बेस क्रिएट करेगा इंटर। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर सीख के जाएंगे जो हमको काम में आने वाली है एट द फाइनल लेवल। ठीक है, तो यहां पर हम बिल्कुल भी मजे नहीं मार सकते हैं, सर हम फाउंडेशन में छोटे से बच्चे थे, बट अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, अभी हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। वी हैव टू बी सुपर सुपर ब्रिलियंट एंड सुपर सुपर इंटेलिजेंट। और सर वो सुपर सुपर इंटेलिजेंट हम कैसे बनेंगे, वो हम बनाएंगे आपको सुपर सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में प्रवचन दिया, बट अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपनी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ लॉ। सर वेलकम टू सी ए इंटर लॉ। थोड़ा सा पहले अपन बात करते हैं कि सर आप बताओ पहले आप कौन हो।
ठीक है. सो दिस इज सीए सीएस करण कुमार. बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी. और जब व्हेन आई वाज गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ सीए और सीएस, जब सीएस के एग्जाम्स में दे रहा था ना, तो मैं तुमको बताता हूँ लॉ का बेसिकली आई एम डिस्कसिंग कि लॉ के एग्जामिनेशन में, लॉ के एग्जामिनेशन में क्या होता है. हमको सबसे बड़ा ये डर रहता है कि सर नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे. बट मैं तुमको बताऊं, लॉ में आई स्कोर्ड एग्जेम्पशन, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, सीएस फाइनल हो, सीए हो, उसमें आई स्कोर्ड एग्जेम्पशन. और बहुत इजीली यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन कि लॉ में लिखना कैसे एंड हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन. इतना कोई टफ वाला सीन नहीं है, मस्त अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस पेपर को क्रैक कैसे करना है, ठीक है. और फ्रॉम मेनी ईयर्स आई एम इनटू टीचिंग, ठीक, और टीचिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ एज वेल. तो तुमको कोई एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मस्त तैयारी करेंगे अपन और बढ़िया तरीके से अपना कंप्लीट होगा, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? मेरे को एक बारी तुमसे सिर्फ एक चीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग, क्योंकि मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड हो, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ सामने नहीं बैठे हो, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो तुम लोग मुझसे बेटर कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम चैट पे लिखोगे तो, ठीक है. तो जो भी मैं तुमसे पूछूंगा तुमको चैट पे लिखना है. मैं जो भी क्वेश्चन पुटअप करूंगा यू हैव टू आंसर, जो भी तुमको लगे, सर हमको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, डजेंट मैटर एट ऑल. अबे यहाँ क्या ही हो रहा है, सब सीखने आए हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगा तो हो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती वेस्ती कुछ नहीं होती है, ठीक है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स. तुम मेरे से कनेक्ट करोगे थ्रू चैट बॉक्स और मैं तुम्हारी चैट देख रहा हूं तो तुमको बिल्कुल ऐसा फोमो वाला फील नहीं आने वाला, ठीक है. यस सर. ऑनलाइन में लाइव एट होम सेलेक्ट करूं तो क्या लाइव के टाइम मौखिक डाउट सॉल्व हो सकता है या लिखकर सॉल्व होगा, थोड़ा प्लीज बता दीजिए. ओके, बताएंगे, चलो आओ, कम ऑन सर. अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में. नाउ प्लीज बी सीरियस. देखो बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को सबको पता है कि सर हमारे 6 एग्जाम्स हैं, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ग्रुप 1, ठीक. 6 एग्जाम्स में योर पेपर 1 विल बी एडवांस्ड अकाउंटिंग, देन योर पेपर 2 विल बी कॉर्पोरेट लॉ, एंड देन योर पेपर 3 विल बी टैक्स, ठीक है. टैक्स में डीटी आईडीटी आपका 2 पोर्शन रहेगा, फिर उसके बाद आपका ऑडिट, एफएमएसएम और कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है. ग्रुप 2 में 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं. मैं वो बेसिक डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो सब तो आपको बेसिक पता ही होगा, ठीक है. अपन चलते हैं सीधा अपने वाली कहानी पे. सर हमारा जो सिलेबस है दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. पेपर का नाम है बेटा जी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो इसमें सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप हमें ये बताओ. तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में आप पढ़ने वाले हो सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ फॉर 70 मार्क्स. तो आपके इस पेपर में 2 बाइफर्केशन रहेंगे. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, अदर लॉज आपका रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है. 70 नंबर का आपका क्या आने वाला है, कॉर्पोरेट लॉ. सर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेगा कॉर्पोरेट लॉ. अदर लॉज जो रहेंगे वो आपके 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड उसमें से 30 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा दैट विल बी ऑफ अदर लॉज, एंड 70 मार्क्स का पेपर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा कॉर्पोरेट लॉ का, ठीक है. सर एक चीज देखो ना, अब तुम्हारा एकदम ऐसा वाला दिमाग एक्टिवेट हो जाता है. सर ये जो अदर लॉज है ये 30 मार्क्स का है और इसमें आपने 3 ही चैप्टर लिखे हैं, तो एक काम करते हैं ना, बस ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं, 30 यहां से आ जाएंगे. कॉर्पोरेट लॉ में से देख लेंगे कोई 1-2 चैप्टर पढ़ के और फिर उसमें से 10-20 नंबर ले आएंगे, 50 आ जाएंगे, अपन पास हो जाएंगे, काम खत्म. ऐसा नहीं करना है. ये जो सिलेक्टिव स्टडी तुम लोग लगा के जाते हो ना कि बस 30 यहां से आ जाएंगे, 20 यहां से आ जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती है. बिकॉज यू नेवर नो. देखो 30 का वो पेपर आएगा, आई एग्री, बट कॉर्पोरेट लॉ में आप 20 नंबर कौन से पढ़ के जा रहे हो और एग्जामिनर क्या पूछेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है. हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि सर इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आ सकता है, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि उतने का आएगा. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें से आता भी है और उसमें से नहीं भी आता. यस और नो, बोलो ना. हाँ यस सर. तो क्या होता है ना कि अपने को एक मिनट दो मेरे को, बस अपने को सेलेक्टिव स्टडी नहीं करके जानी है, ठीक है. बिल्कुल भी ना ऐसे मजे नहीं लेने हैं कि हम सर ये 30 नंबर का पढ़ जाते हैं और क्या करते हैं बाकी सब छोड़ देते हैं तो हमारे 50 आ जाएंगे. बेटा ऐसी हरकतें नहीं करनी है, मैं तुमको बोल रहा हूं बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है. सुनो मेरी बात सर. 70 का जो आएगा वो आएगा अपना कॉर्पोरेट लॉ,
30 का आएगा अपना अदर लॉस। अब पहले जानते हैं अदर लॉस में क्या क्या है, और एक चीज और बता देता हूं अपना पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। 70 मार्क्स का जो रहेगा दैट विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, एंड 30 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, बोनस यहां रहने वाला है, मैं बता रहा हूं पेपर अगर अच्छे नंबर से पास करना है तो यू मस्ट बी सुपर ब्रिलियंट इन स्कोरिंग मार्क्स इन दिस। एमसीक्यूज में अगर मार्क्स आ गए ना तो डिस्क्रिप्टिव वाले में जब आप लिखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो आपको ज्यादा फोकस करना है कि मेरे को एक तो डिस्क्रिप्टिव में लिखना कैसे है और एमसीक्यूज में मुझे ज्यादा ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, सो 70 मार्क्स विल बी डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स विल बी एमसीक्यूज, और मिला जुलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब मैं चलता हूं एक एक करके कॉर्पोरेट लॉज और अदर लॉज में। सर पहले ये बताओ ये अदर लॉज में आपने लिखा हुआ है तो इसमें हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जस्ट यू हैव टू स्टडी ओनली 3 चैप्टर। यस सर, सिर्फ हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3। सर कौन से 3 चैप्टर पढ़ने हैं एक बात बताऊं? सर यार हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें ये बोला था कि इसमें तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे, ऐसे कुछ नाम लिखे हुए थे। आपने तो लिखे ही नहीं वो, ना यहाँ पे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है, ना यहाँ पे आपने नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो वो सब कहाँ गया? वो सब चला गया फाउंडेशन में। वो सब हम बचपन में पढ़ के आए। जो अभी आप फाउंडेशन क्लियर करके आए उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें आपने नेगोशिएबल पढ़ा। ठीक है, पढ़ा मतलब पढ़ा, मैं भी जानता हूं तुमने कितना पढ़ा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा मतलब वो सिलेबस में था, हमने पढ़ा बस। सर अब बातें ना करो उस चीज की, हमने बस पढ़ लिया। ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो बस एकदम ऐसे सर यहाँ समझ में आया हमें, बिल्कुल एकदम यहाँ, और यहाँ जो हमें समझ में आया ना बस हम बता सकते हैं हमें कितना अच्छा समझ में आया। ठीक है, और कंपनी के बारे में सर हम कंपनी लॉ तो फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं। फाउंडेशन में जो आपने कंपनी लॉ पढ़ा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक मैं बोलूंगा ओवरव्यू भी नहीं था ऑफ द कंपनी लॉ जो अब पढ़ने वाले हो। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी दैट मच वास्ट। तो ये वैसा वाला कंपनी लॉ नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से। सर हमको पता है कंपनी लॉ आप हम पे छोड़ दो, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, और एक कुछ मेमोरेंडम बनता है, कुछ एक आर्टिकल बनते हैं, हमने केस लॉज भी पढ़ रखे हैं सर, और बस आता है हमको कंपनी लॉ। तो वैसा वाला कंपनी लॉ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दैट वास्ट, दैट टेक्निकल एंड दैट एनालिटिकल, जो दिमाग चलने वाला है ना इंटर में, मैं तुमको बता रहा हूं मजे आ जाएंगे पढ़ के। तो सर वो चला गया फाउंडेशन में, जो पहले हुआ करता था कहां पे, इंटर में। जब कुछ फाउंडेशन में गया इंटर से तो कुछ ऊपर से और नीचे आया। अब क्योंकि फाइनल से लॉ हटा, लॉ गया SPOM में, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में, तो इन्होंने क्या किया, जो फेमा था ना पता है आपको, ये पहले हुआ करता था CA फाइनल में, बट अब ये उठाकर डाल दिया गया इन द CA इंटर। पर हम फाइनल वाला एक्ट पढ़ेंगे, यस। पर आपको एक चीज बताऊं, मजे की बात ये है कि जितना बड़ा चैप्टर फेमा फाइनल लेवल पे हुआ करता था ना, उतना बड़ा फेमा आपका इंटर में नहीं है। ठीक है, फेमा में बहुत सारे प्रोविजंस थे जो फाइनल में थे, बट इंटर में आपको उतने प्रोविजन नहीं पढ़ने हैं। सर पहले ये बताओ कि ये फेमा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमा? अच्छा किसी को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तुम मेरे को फुल फॉर्म ही बता दो चैट पे, कोई भी एक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा की फुल फॉर्म क्या है? जो सबसे पहले आंसर देगा उसको उसको मेरी तरफ से 1000 पैसे इनाम। What is the full form of FEMA? Yes, sir. FEMA, FEMA बोले तो Foreign Exchange Management Act. Very good. Foreign Exchange Management Act. Sir, ये जो Foreign Exchange Management Act है ये क्या बात करता है? आपको यहां नाम से ही लग रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक बहुत शॉर्ट में मैं तुमको बताता हूं, कभी भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होती है ना, मैं बोल रहा हूं कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी, व्हेन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू द रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है ना उस पर एक एक्ट लगेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, फेमा। ठीक है सर, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यू पीपल आर गोइंग टू स्टडी, यू पीपल, यस पीपल, यस यस। सर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसे कहते हैं, हु विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। सर
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको बोलते हैं, PROI कौन होता है, ठीक है, PRI कौन होता है। जैसे अपन टैक्स में नहीं पढ़ते, टैक्स में अपन पढ़ते हैं रेसिडेंट इन इंडिया और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, NRI जिसको आप बोलते हो। ब्यूटीफुल आंसर, कुसुम ने एक आंसर दिया कि सर ये फेरा को रिप्लेस करके फेमा आया, परफेक्ट आंसर। जब फेमा था ना तो फेमा केम इनटू 1999 क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन फेमा एंटर हुआ था, ठीक है। लिबरलाइजेशन तो आई थिंक सबने सुना रहेगा, LPG है ना, ये तो हम पढ़ के आए हैं सर क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स में। तो जब लिबरलाइजेशन आया ना तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए और उसकी वजह से कई सारे लॉस को क्या किया गया, चेंज किया गया, और फेमा वॉज वन ऑफ देम। और फेमा को चेंज कर मतलब फेमा चेंज होकर आया, और फेमा आया 1999 में। इससे पहले एक एक्ट चला करता था जिसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और देखो नाम में भी नजर आ रहा है कि वो जो एक्ट हुआ करता था ना वो रेगुलेटरी एक्ट था, क्योंकि उस समय की इकोनॉमी हमारी बहुत रेगुलेटेड होती थी। बट आफ्टर 1991 हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा लिबरल हो गई थी। इन्होंने बोला सर वो हार्श लॉ को हटाइए और आप नया लॉ लेकर आइए, और नया लॉ लाया गया फेमा 1999, ठीक है। तो सर यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, PRII कौन होता है, PROI कौन होता है, कौन रेजिडेंट होता है, कौन रेजिडेंट नहीं होता है, कौन सी ट्रांजेक्शन को। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा तो पढ़ के आए हो, एक कैपिटल ट्रांजेक्शन होता था, एक करंट अकाउंट होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने कुछ सीखा हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। सर एक कैपिटल अकाउंट होता था, एक करंट अकाउंट होता था, तो वो कैपिटल अकाउंट क्या होता था, वो एक्चुअल में उसका ओरिजिनेशन कहां से है, फेमा से। तो जो उसके लीगल प्रोविजंस है ना वो अब सीखोगे। क्लास 12th में तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ था कि कैपिटल अकाउंट ये होता है, करंट अकाउंट ये होता है, कैपिटल अकाउंट में यही आता है, करंट अकाउंट में यही आता है, बट उधर बहुत सिंप्लीफाइड था, एक्चुअल उधर मीनिंग नहीं था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, राइट। तो वो BOP में जो आप पढ़ के आए ना वो बहुत ही बिल्कुल ऐसा लल्लू वाला टॉपिक था, उसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं था, ठीक है, बट उसका लीगल प्रोविजन यहां पर फेमा में आएगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, एंड ये अच्छी चीज है कि जितना फेमा फाइनल में था उतना तुम्हारा अभी नहीं है, ठीक है, मतलब तुमको उतना तो फेमा नहीं पढ़ना। बट सर हमको इंटर में डाल दिया, पहले फाइनल में हो करता था, हमको समझ में आएगा, मस्त समझ में आएगा। पता है CS एग्जीक्यूटिव में फेमा हमेशा से एग्जीक्यूटिव में ही रहा, मतलब CS में हमेशा इंटर में ही रहा, तो CS में भी बच्चे इंटर में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला हमारे बच्चों को ही कहां पढ़ाओ, इंटर में, ठीक है। तो यहां पर आप भी इसको कहां पढ़ने वाले हो, इंटर में पढ़ने वाले हो। सो दिस लॉ इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू फेमा। अभी सिर्फ मैं इसका इतना ही इंट्रोडक्शन रखूंगा और इसके बाद दूसरे चैप्टर पर आते हैं। दूसरा चैप्टर आपका अदर लॉज में रहेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। मेरी एक बात याद रखना, कंपनी लॉ हो, LLP हो, फेमा हो, जनरल क्लॉज एक्ट हो, या कोई भी एनी अदर लॉ हो, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहता है ना वो ये रहने वाला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर क्यों, और क्यों का आंसर मैं तुमको भी देता हूं, एक चीज और बताता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है और सबसे ज्यादा परेशानी जिससे होती है ना बच्चों को वो इसी से होती है। आप पूछना जितने भी तुम्हारे दोस्तों उनसे पूछना, सर सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है ना वो इसी से होती है, और सबसे ज्यादा जो हम बेइज्जती करते हैं ना जिस चैप्टर की वो इसी की करते हैं, हम इसे छोड़ के ही चले जाते हैं, क्योंकि ये सर हमें समझ में ही नहीं आया कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। बट तुमको बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि सर इस चैप्टर में यह सिखाया जाता है दैट हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। किसी भी लॉ को हम पढ़ते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो अ लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 यू हैव टू स्टडी। अब आप उस लॉ को पढ़ रहे हो तो उस लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है वो यहां सिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी लॉ इस चैप्टर से तो ऊपर होएगा। यार यहां पर आप ये सीखते हो कि हम किसी चीज को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर हमको वो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता तो फिर मेरे को नहीं लगता हम कोई भी लॉ पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी लॉ पढ़ना है ना तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज रूल्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। सर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज जो है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू टीच यू दैट व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक बात पूछता हूं, चलो तुम मेरे को थोड़ा सा आंसर करो, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो, मतलब व्हाट यू पीपल अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इंटरप्रिटेशन। ये हमने सुना बहुत बार है, बहुत लोगों से सुना होगा, यार उसकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये इंटरप्रेट अच्छा करा आपने। आप मेरे को ये बताओ, आप इंटरप्रिटेशन से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन।
थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है आप मेरे को लिख के बताओ, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, व्हाट यू पीपल थिंक ऑफ इंटरप्रिटेशन, तुमको क्या लगता है सर ये जो होता है ना ये इंटरप्रिटेशन होता है हमारे हिसाब से। बोलो बोलो वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रिटेशन, और अगर किसी ने गूगल से कॉपी करके लिखा तो भगवान कसम बहुत पिटोगे एकदम। कुछ लोग क्या करते हैं सीधा गए गूगल पे डाला व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन और इधर चिपका दिया चैट के अंदर। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, यहां क्या चिपका के क्या ही कर लोगे, पेपर में कुछ नहीं चिपका पाओगे। इतिशा इज सेइंग इंटरप्रिटेशन मीन सर हम किसी चीज से क्या समझ पा रहे हैं। ओके गुड गुड, और बताओ इंटरप्रिटेशन क्या होता है जो तुम लोग को लगता है। तुम तो फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ के आए ना तो तुमको इंटरप्रिटेशन का मतलब तो पता ही होगा कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन सर, एक्सप्लेन प्रॉपरली वेल। नो डाउट अबाउट द टॉपिक। अच्छा सर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि वट एवर द लॉ मेकर हैज रिटन ओवर देयर इन द लॉ, हमको उस लाइन के पीछे का जो इंटेंट रहा है ना वो ढूंढना है। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड वट द लॉ मेकर वॉन्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब उन्होंने ये लॉ बनाया था तो उन्होंने ये लॉ बनाते समय क्या सोचा होगा कि ये प्रोविजन लिखा गया। आप ऐसे समझो कि अगर आपको उस सिचुएशन में डाला जाता व्हाट यू वुड हैव डन एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, वो आपको सोचना है। और मैं तो बोलता हूं भाई लॉ कुछ भी नहीं है, लॉ इज जस्ट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समथिंग, कि आप खुद को उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में डाल के देखो, आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, दैट इज द लॉ। ठीक है दैट इज द लॉ। मैं तुमसे पूछूंगा ना अभी पढ़ाते समय मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए, बताओ ये वैलिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। Put yourself into that situation and tell me कि अगर सर मैं इस situation में होता और मेरे सामने ये केस आता तो मैं valid बोलता या invalid बोलता, जो तुम्हारा दिल बोलेगा ना that will be the answer। Law को पढ़ने की सबसे सही approach यही है, put yourself into that situation। बस आप ये सोचो कि उस law maker का क्या intent रहा होगा। You have to find that intent by the rules of interpretation, you have to find the meaning behind those words and behind those lines। वो जो कहते हैं ना law की lines लिखी रहती हैं, that are not only the lines of English language, कि आपने क्या करा English की हिंदी कर दी that's it, no। सिर्फ इंग्लिश की हिंदी करने से लॉ पढ़ा जाता तो फिर तो सभी लॉ पढ़ लेते और सबके लॉ में 100 आ रहे होते, ठीक है, और सब पढ़ा भी रहे होते, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, आपको ये समझना पड़ेगा कि सर उस लाइन के पीछे उस लॉ मेकर का क्या इंटेंट रहा, उस लाइन के पीछे उस लॉ मेकर ने जब लिखा तो क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या लिखा, वो सब हमको समझना पड़ेगा बाय द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी भी हम कहीं पर भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ना किसी भी वर्ड, कोई वर्ड लिखा हुआ है सपोज, तो हम उसका सबसे पहले कोई लिटरल मीनिंग होता है ना वो लेते हैं। इसमें कई सारे आप रूल्स पढ़ोगे लाइक रूल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ऐसे सब लॉस रूल्स पढ़ोगे, ठीक है, बट वो क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, अभी मैं उन रूल्स में नहीं जा रहा। सर थोड़ा सा बताओ ना कि उस रूल्स में क्या होता है, अभी के लिए अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, बाद में देखेंगे वो कि उस रूल्स में क्या होता है। मैं ये बता रहा हूं कि जब आप ये रूल्स पढ़ते हो ना तो आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो आप सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग उठाते हो कि लिटरली उसको पढ़ने में क्या नजर आ रहा है। सो हम पहला मीनिंग तो लेते हैं बिल्कुल जनरल मीनिंग, कि अगर ये शब्द लॉ में लिखा है तो मुझे इसका जनरल मीनिंग क्या पता है, वही इसका मीनिंग है, लॉ मेकर ने भी यही सोचा होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर मीनिंग पर वो मीनिंग एब्जर्ड बन जाता है, मतलब हम लिटरल मीनिंग तो ले रहे हैं बट वो लिटरल मीनिंग वहां पर बैठ नहीं रहा, तो फिर हम दूसरे रूल्स लगाते हैं लाइक रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ऐसे बड़े सारे रूल्स रहते हैं, वो सब यहां पर आने वाले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में। एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो, तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुमने कभी कोई डेफिनेशन पढ़ी है? हाँ सर, आज तक यही तो पढ़ते आए हैं, इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ी है। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, देखो ये अपना ना चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है,
इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही प्रीलिमिनरी। इसमें मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, रुको रुको रुको, देखो यहां पर सेक्शन टू में डेफिनेशन दे रखे हैं, क्या है क्यों है उसे छोड़ो अभी, डेफिनेशन दे रखी है। मैं तुमको कोई एक रैंडम डेफिनेशन उठाता हूं, कोई भी डेफिनेशन, ये देखो ये लिखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, मैं आपको वो नहीं पढ़ाने वाला, मेरी एक बात देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस, ठीक है, ये डेफिनेशन स्टार्ट हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस। बट यहां देखो एक डेफिनेशन दे रखी है बॉडी कॉर्पोरेट, सही क्या होता है बहुत बाद में बात करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी। अब एक चीज देखो, एक डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा मींस, और एक डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा इंक्लूड्स। ओ तो सर ये मींस और ये इंक्लूड्स ये अलग अलग क्यों लिखा है, कहीं पर ये लिख रहे हैं, ये देखो बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर इंक्लूड्स, और कहीं पर ये लिख रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल मींस चार्ज मींस। तो किसी डेफिनेशन में तो सर मींस आ रहा है और किसी डेफिनेशन में इंक्लूड्स आ रहा है, दोनों में अंतर क्या है सर? तो दो टाइप की डेफिनेशंस होती हैं, दिस इज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब यहां से हमने क्या सीखा, यही चीज आपको सीखनी है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में। वहां वो लिख के देते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। सर जो डेफिनेशन होती है ना वो दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। अगर मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज की, तो सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में आप सीखने वाले हो द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और मेरे साथ ना तुम नोट करते जाना, ठीक है सर? हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव, कौन सी डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव, और एक डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव। सर इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव? जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है ना वो स्टार्ट होती है विद द मींस, और जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वो स्टार्ट होती है इंक्लूड से। सर क्या फर्क पड़ता है, जहां डेफिनेशन में आ रहा है मींस, तो मींस मतलब कि उसका मतलब यही है, यानी दिस मींस दिस, तो जो लिखा है बस दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस थिंग, दिस इज द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अब इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं हो सकता, कुछ और एड नहीं हो सकता, ठीक है? बट जिस डेफिनेशन में लिखा है इंक्लूसिव, तो वहां का मतलब यह है कि दिस इंक्लूड्स दिस दिस दिस, मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ दिस थिंग। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसमें ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और भी कुछ अगर कल को एड होना हुआ तो वो एड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव में आप डेफिनेशन स्टार्ट करते हो विद द वर्ड मींस, और इंक्लूसिव में आप स्टार्ट करते हो विद द वर्ड्स इंक्लूड्स। तो ये इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं, कहां मींस रहेगा, कहां इंक्लूड्स रहेगा, कहां क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, वो सब आप सीखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में, ठीक है? फिर इसके बाद अपना तीसरा अदर लॉज में एक एक्ट आएगा जिसका नाम रहेगा जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट। सर जनरल क्लॉज एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल क्लॉज एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल क्लॉज एक्ट में आपका रहने वाला है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो किसी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो वो आपको डिफाइंड मिलेगी इन द जनरल क्लॉज एक्ट। जैसे सर ये एक्ट क्यों लाया गया, इसका क्या रेलेवेंस है, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स बनते हैं, जितने भी लेजिस्लेशंस बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो सब लॉज के अंदर कुछ टर्म्स लिखी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ईयर, ईयर का मतलब क्या होता है? सर व्हाट डू यू मीन बाय ईयर? नाउ अगर किसी भी लॉ में ईयर शब्द लिखा है तो इस ईयर का मतलब क्या है? अब हर लॉ में अगर ईयर डिफाइन करेंगे, जो कि कॉमन ही रहने वाला है सभी लॉ के लिए, तो बहुत रिपीटेशन होगा हर लॉ के अंदर। तो जनरल क्लॉज एक्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर इसमें बहुत सारी वो चीजें डिफाइंड है जो बाकी सारे एक्ट्स के अंदर रिपीटेशंस को खत्म कर देती हैं। मतलब नो रिपीटेशंस इन देयर, नो रिपीटेशंस विल बी देयर इन ऑल दोज एक्ट्स। बार बार उस सेंट्रल लॉ में रिपीटेशन लिखने की जरूरत, करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस एक्ट में डिफाइन कर दीजिए जो मीनिंग यहां है, यह सभी सेंट्रल एक्ट्स पे एप्लीकेबल हो जाता है, सभी लेजिस्लेशन पे एप्लीकेबल होता है।
इसका और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक बार बताओ, तुमने कभी लॉ पढ़ा या कोई भी और चीज पढ़ी, वो सब चीज को पढ़ते समय कहीं पर भी हम ऐसा लिखा देखते हैं दैट ही हैज द पावर टू डू दिस, ही इज ऑथोराइज्ड टू कन्वीन अ मीटिंग, कहीं पर भी हम लिखा देखते हैं, कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम वहां लाइन में क्या लिखा देखते हैं, ही हैज द पावर। तो एक चीज सोच के बताओ, क्या सिर्फ ही के पास पावर है, शी के पास पावर नहीं है? नारी शक्ति जिंदाबाद। सर ही के पास पावर है, शी के पास पावर नहीं है क्या? पावर है। तो सर वहां तो हर लॉ में हमने देखा ऐसे ही लिखा रहता है, ही हैज द अथॉरिटी टू कन्वीन अ मीटिंग, ही हैज द अथॉरिटी टू पास द रेजोल्यूशन, मतलब कुछ भी लिखा है तो ऐसा लिखा है, ही हैज द पावर, ही हैज द अथॉरिटी, ही इज सपोज टू डू दैट। सो सिर्फ ही लिखा हुआ है सर, तो क्या वहां पर वो काम शी नहीं कर सकती? कर सकती है, पर कैसे कर सकती है? क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ है, एक सेक्शन 13 करके आएगा, सेक्शन 13 में ये बात लिखी है कि जहां जहां आप किसी भी लॉ में ही पढ़ोगे ना, वहां वहां हर लॉ में ही इंक्लूड्स शी ऑल्सो। यानी जहां जहां आप किसी भी लॉ में ही लिखा देखोगे, बट आपको मानकर चलना है कि वहां ही के अंदर शी भी इंक्लूड होगा। रियल लाइफ में तो शी में ही इंक्लूड होता है, बट हमें ये मान के चलना है कि सर ही इंक्लूड्स शी। ठीक है, तो आप हर लॉ में, अब ये चीज क्यों करी गई, वरना हर लॉ की लैंग्वेज पता कैसे होती, कोई भी प्रोविजन लिखा है और वहां क्या लिखा रहता, ही इंक्लूड्स शी हैज द अथॉरिटी, फिर कुछ लिख रहे हैं ही ऑब्लिक शी दिस, तो ये बड़ा वियर्ड सा हो जाता। तो हर जगह ही और शी ऐसे ऑब्लिक करके लिखते, उन्होंने बोला हम ऐसे लिखेंगे, ही हैज द पावर, ही इज दिस, ही इज दैट, और लास्ट में जनरल क्लॉज एक्ट में ये लाइन डाल दी गई कि जहां जहां आप किसी भी लॉ में ही पढ़ते हो, वहां वहां शी इंक्लूड्स होगा ही होगा। बताओ समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी से चार्ट पे लिख दो, सर आ गया, मतलब सर नहीं आ गया, सर तो बहुत पहले आ गए थे, आप ये बताओ समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। तो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर क्या लिखने वाले हैं अपन, जनरल क्लॉज एक्ट में कुछ जनरल बातें लिखी रहेंगी कि जब भी आप कोई लॉ पढ़ेंगे तो ये जनरल चीजें आपको फॉलो करनी है। कई सारी डेफिनेशन आएंगी जो सारे सेंट्रल एक्ट पे एप्लीकेबल होंगी, लेजिस्लेशन पर एप्लीकेबल होंगी, और उनको इसमें क्यों डाला गया, ताकि उन हर एक्ट के अंदर उसको रिपीटेटिवली बार बार ना लिखा जाए, उससे बेटर है आप एक बार इस एक्ट में लिख दीजिए और गेम खत्म। बोल दो हां जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अदर लॉ। ठीक है, मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा सब्जेक्ट के सिलेबस पे ही हूं कि सर एक तो कॉर्पोरेट लॉ हम पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं अदर लॉज। अभी मैं कॉर्पोरेट लॉ पे तो आया भी नहीं हूं, अभी मैंने सिर्फ बोला कि अदर लॉज में आप तीन लॉ पढ़ने वाले हो, बट देखो बाकी सारी बातें अलग हैं कि चल ठीक है सर, स्ट्रैटेजिकली अपन सेलेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे कि हम कंपनी लॉ के कोई दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपन कॉर्पोरेट लॉ पूरा ही पढ़ेंगे, बट अदर लॉज में स्कोर करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि 30 मार्क्स में से अगर यहां पर आपके 25 भी आ जाते हैं ना, तो एग्जेम्पशन के नजदीक जाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत 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 ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना दैट कि आपको अदर लॉज पे उतना ही एम्फेसिस रखना है जितना आपको कॉर्पोरेट लॉ पे रखना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वाला जो है ना, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इसमें अपन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं, इज इट क्लियर? सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है दैट हाउ यू विल इंटरप्रेट द लॉ, आपको लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक, जैसे एक, चलो एक एक, एक रूल एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, इधर आओ, मुझे एक चीज बताओ, मैंने ऐसे लिखा, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को एक चीज बताओ, मान लो मैंने ऐसे लिखा स्पून फोक प्लेट नाइफ। यहां नाइफ का मतलब क्या है, मतलब यहां आप नाइफ से क्या समझ रहे हो, ये नाइफ किसकी बात हो रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या लिखे हुए हैं, स्पून फोक प्लेट नाइफ, ये सब क्या है? अबे जल्दी लिखो नालायको, वैसे तुम्हारी टाइपिंग जो है वो बहुत स्पीड में है, टक 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 टक, सर हाथ नहीं रुकते हमारे, रात को लगे पड़े हम टक 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 टक, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर ये स्पून फॉक प्लेट नाइफ ये सब क्या है, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाइफ आपको क्या ही लग रहा है? एक बच्चे ने इमोजी बना के भेज दिया नाइफ,
कितने कांडी हो तुम भाई साहब। ओ भाई अच्छा, स्पून है, फॉक है, प्लेट है, नाइफ है, तो ये सब किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी में लग रहे हैं आपको ये सब? तनिष कह रहा है सर ये हमको यही लग रहे हैं नालायक, ये सब हमको किस कैटेगरी से लग रहे हैं सर? ये सब कुछ हमको जो किचन अप्लायंसेज हैं वो लग रहे हैं, अप्लायंसेज बोले तो मतलब सॉरी यूटेंसिल्स सर, ये हमको ये सब लग रहे हैं ना, स्पून है, प्लेट है, बर्तन वर्तन है, तो नाइफ वो वाला। अच्छा तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया जो तुम किचन में यूज कर रहे हो या जो तुम बाहर यूज करोगे? तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया? जब मैंने ये लाइन लिखी तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया? सच्ची बताना, तुमको कसम लगेगी, तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया था जो तुम किचन में यूज करोगे या जो तुम बाहर यूज करोगे किसी का ऐसे एकदम उसकी गेम बिठाने के लिए? जल्दी बताओ कौन सा वाला नाइफ तुम्हारे दिमाग में आया था, किचन वाला या भाई वाला? सर किचन वाला आया था। कौन सा नाइफ आया था? किचन वाला आया था। बट अब मैं एक चीज चेंज करता हूं, देखो इधर सुनो, मान लो सर ये क्या हुआ आपकी आवाज को, मान लो सॉरी, मान लो कि अब मैं ये लिखता हूं स्वॉर्ड गन राइफल नाइफ, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया? अब तुम इसे ना देखो एक बार को, ये लो इसे ना देखो। अब मैं लिखा स्वॉर्ड गन राइफल्स एंड नाइफ, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा वाला नाइफ आया? सर अब हमारे दिमाग में वो वाला नाइफ आया है, क्योंकि तो पता है अब ये जो नाइफ लिखा ना, ये जो नाइफ लिखा ना, ये एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है किसका, वेपन का। ये वाला जो नाइफ लिखा था ना सर, ये इंडिकेशन दे रहा था जो किचन में यूज हो रहा है। अब ये कैसे हुआ, नाइफ तो नाइफ ही है बट हम हमारे दिमाग में इमेज कैसे अलग सेट हुई? क्योंकि एक वर्ड जो होता है ना वो अपने एसोसिएटेड वर्ड से उसका कलर ले लेता है, मतलब कि जैसा 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 उसके नियर बाय वर्ड होंगे वैसा वैसा उसका भी मीनिंग बन जाएगा। यहां पर भी नाइफ लिखा है, यहां पर भी नाइफ लिखा है, बट इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। यहां आप नाइफ की इंटरप्रिटेशन वेपन के तौर पे नहीं कर रहे हो, बट यहां आप नाइफ की इंटरप्रिटेशन वेपन के तौर पे कर रहे हो। दिस इज द कॉल्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, और यही आपको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। बात समझ में आई? अभी क्लियर हुआ? एग्जाम्पल मस्त एकदम, जल्दी बोलो। वे ठीक है जी, चले आगे। एक नालायक कह रहा है ऑफ कोर्स किचन वाला तो नहीं आएगा मेरे दिमाग में, तेरे दिमाग में सिर्फ यही वाला नाइफ रहेगा, है ना? चलिए आ गया हो। अब थोड़ा सा अदर लॉस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट है ना, ये आपका 70 मार्क्स का होने वाला है, और इसमें दो चीजें आप पढ़ने वाले हो, एक तो कंपनी लॉ और एक एलएलपी एक्ट। ठीक है, अब क्योंकि इसी पर ही हम बहुत सारा टाइम लगाने वाले हैं तो मैं इसको अभी स्टार्ट करूंगा, 5-7 मिनट में इसको स्टार्ट करेंगे। कंपनी लॉ से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, और सबसे बड़ा टॉपिक अप्रॉक्स आप मान के चलिए 70 में से 60 मार्क्स का अप्रॉक्स आपका क्या आने वाला है, कंपनी लॉ। ठीक है, अप्रॉक्स 70 में से 60 मार्क्स आपका क्या आने वाला है, कंपनी लॉ, तो इसी को ही अपन स्टार्ट करने वाले। बट सर इससे पहले हमको थोड़ा सा जरूरी जरूरी सी बातें कर लेते हैं। कुणाल कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। ये ले बेटा सर कुछ जरूरी बातें। सर एक बार बताओ, चलो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो सब हो गया, बट अपन इसको कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं? ये सारी चीजें अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो मैंने तुमको बोला अदर लॉज में 3 लॉज तुमको पढ़ने हैं, कंपनी लॉ पढ़ना है और एलएलपी पढ़ना है, बट ये सारा कुछ करने में सर टाइम कितना लगेगा? तो अपने को अप्रॉक्स लगेंगे 65 से 70 लेक्चर मानकर चलना। ठीक है, 65 to 70 लेक्चर्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी बातें जो अब मैं करने जा रहा हूं सर। 65 to 70 लेक्चर्स आपको लगेंगे, टाइमिंग अपना यही रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा रहेगा। मंडे टू सैटरडे तुम लोग मेरे साथ बैठोगे, सुबह उठते ही तुमको मेरी एक ऐसे गंदी सी शक्ल देखनी पड़ेगी। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू स्टडी सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह ही तुम मेरे साथ बैठोगे मंडे टू सैटरडे। ठीक है, कभी कभी सैटरडे ऑफ रखना हुआ तो रखेंगे, बट
मान के चलना कि मंडे टू सैटरडे तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। सर संडे फिर हम एकदम जा सकते हैं ना, एकदम बार बार में कहीं नहीं जाना है, संडे को टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात कि एक ना वी विल हैव इंटरैक्टिव वीडियो गाइडेंस सेशन। सर इसमें क्या होने वाला है, कौन से इंटरैक्टिव सेशन करने वाले हो आप? इन दीज सेशंस वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मतलब अपन ना एक क्या क्या काम करेंगे ना, हम लोग कह रहे शक्ल भली गंदी देखने को मिले, आवाज मधुर सुनने को मिलेगी। कितने कितने नालायक हो तुम भाई। सुनो, इंटरैक्टिव वीडियो सेशन जो रहेगा ना, उसमें क्या होने वाला है, सर हमने ना सुना है कि बंदे क्लास लेते हैं और उसके बाद वो डाउट वाउट भेजते हैं और वो कुछ बताता ही नहीं है, तो ऐसा कोई सीन यहां नहीं होने वाला है। मैं तुम लोग को मीट पे लूंगा, जूम पे लूंगा, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे आई विल टॉक टू यू डायरेक्टली कि तुमको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। संडे संडे को कभी ऐसा सेशन रखा करेंगे, तुमको कोई क्वेश्चन, सर मैंने ऐसा लिखा, आप इसको देख के मुझे बताओ कि क्या इसको ऐसा लिखूं या क्या चेंज करूं, कैसे करूं कि मेरे को मार्क्स ज्यादा मिले, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे टेस्ट हुआ टेस्ट चेक होके भी मिला, कई बार तो वो भी नहीं मिलता, बट टेस्ट चेक होके मिला, मार्क्स आए। अब हमारे मार्क्स कटे तो वहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा, जो आपने जिसका आपने जिसने आपका टेस्ट चेक किया, उन्होंने आपका वहां पर ना थोड़ा सा कमेंट लिख दिया। क्या कमेंट लिख दिया, कि चलो ये नहीं लिखना था आपको, ना ये लिखना था। बट सर हमें उससे समझ में नहीं आया कि मेरे को अगर यहां पांच में से तीन मिले तो क्यों मिले, मेरे दो मार्क्स क्यों कटे, मैं क्या ऐसा लिखूं कि हाँ मेरे दो मार्क्स भी बढ़े। तो दैट आई विल टेल यू इन दीज सेशंस। मतलब वन टू वन अगर तुमको कोई क्वेश्चन पे पूछना है, कोई टॉपिक पे पूछना है, सर मेरे को मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, सर मेरे को ये बताओ ये वाला टॉपिक पेपर में अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूं, क्योंकि देखो लिखना इज द बिगेस्ट आर्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। पेपर अगर निकालना है ना और अच्छे नंबर से निकालना है तो भैया राइटिंग स्किल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं किसी से भी आप लॉ पढ़ लो, कितना ही आपको लॉ समझ में आ जाए, लिखना नहीं आएगा वो तीन घंटे में अगर अपनी चीजों को बेटर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सब गया। फाउंडेशन में अभी रिजल्ट आया ना, मोस्टली बच्चों के मैसेजेस थे कि सर मैंने बहुत ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट किए थे लॉ में और मेरे नंबर ही नहीं आए। उसका सबसे बड़ा कारण था राइटिंग, not your handwriting. I am not talking about handwriting. I am talking about whatever you have written in that examination. आपको ऐसा लगता है कि आप सही लिख के आए हो, आपको लगता है यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, आप लिखते हो, बट लिखना कैसे है वो हमको नहीं आता, ठीक है। तो that I'll tell you in this, और उसी के लिए मैं बोल रहा हूं सबसे जरूरी कि अपन इस पूरे बैच में करने वाले हैं राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे, राइटिंग प्रैक्टिस लॉ के पेपर्स के लिए, थ्योरी पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। और पूरे सब्जेक्ट में मैं तुम्हें साथ के साथ लिखवाने वाला हूं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि मैं तुम्हारे सामने बुक की पीडीएफ लगा दूंगा और उसके बाद सीधा क्या करेंगे अपन, मैं रीड करवाता जा रहा हूं और कहानी खत्म, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना तो फिर तो 30 लेक्चर के अंदर लॉ खत्म हो जाएगा, फिर तो 60 लेक्चर 65 लेक्चर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बट हम पूरा का पूरा लॉ जो है ना वो लिखने वाले हैं, आपको लिख कर करना है वहां पे कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है अपने को, ठीक है। तो पूरा लिखवाऊंगा, एक मस्त 400-500 पेज का रजिस्टर बना लेना, ठीक है। सारी चीजें एक एक शब्द बा शब्द मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं और वो सब लिखवा कर आपको याद करना है। और क्योंकि देखो जितना खुद से लिखोगे ना उतना चीजें याद होंगी, क्योंकि हम पढ़ा देंगे वो एक अलग चीज है, आपने खुद से जो लिखा रहेगा ना वो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, मैंने ये केस बनाया था, ये ऐसे लिखा था हमने, ठीक है। और फन मेमोरी टेक्निक से एकदम आप क्या करेंगे, चीजों को याद करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कैसे भी मेरे को कनेक्ट करना है, दिस इज द मीडियम, आप कैसे भी मेरे को कनेक्ट कर सकते हो ओवर यूट्यूब चैनल, ओवर इंस्टाग्राम, ओवर टेलीग्राम, ओवर लिंक्डइन। और कोई भी आपको डाउट रहे, मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई डाउट रहे, माइट बी पॉसिबल दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉल और एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हो सकता है उसी समय में मैं कॉल ना पिक कर पाऊं, बाद में कभी आई विल गेट योर नोटिफिकेशन तो आई विल कॉल बैक टू यू, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू वाया कॉल। कोई मैसेज हो व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर इज 8447688858। एनीथिंग आपको कुछ पूछना है, यू पीपल वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग कि सर मेरे को ये डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये समझा दो, ऐसे कर दो, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर 8447688858। और ये है सहायता सेवा केंद्र नंबर, सहायता सेवा केंद्र नंबर आप जो है उस पर कॉल कर पूछ सकते हैं।
कृष्ण इज आस्किंग सर प्लीज टेल दिस बैच इज एप्लीकेबल टू जेन 25 ऑल्सो. हाँ देखो मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ, इस पे लिखा है कि ये मई के लिए है और सेप्टेम्बर 2025 के लिए है, बट अभी आज हमने स्टार्ट करा है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बैच टू कम्प्लीट बाय 31st ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. ठीक है, मतलब इतने के आसपास कंप्लीट हो जाएगा आराम से, बहुत प्यार से. तो नवंबर में भी अगर कंप्लीट हो रहा है और जनवरी में आपके एग्जामिनेशन है, तो आई थिंक यू पीपल हैविंग मस्ट बी हैविंग सफिशियंट टाइम टू रिवाइज. आपके पास इतना पर्याप्त समय होगा कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, तो यू कैन टेक दैट बैच, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, सब्जेक्ट टू योर थिंग कि आप उतने बचे हुए टाइम में इसको रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, I'll complete this by mid of November. ठीक है, so ये थोड़ा सा हुआ introductory part. इन सब QRs को scan कर आप पहुंच सकते हो मुझ तक और फिर हम करेंगे बहुत सारी knowledgeable बातें. ठीक है, चलो let's start with the company law portion. और अब heading बनाओ fresh, एकदम ऐसे हाथ जोड़ो, ऊपर देखो, बोलो भगवान हमें शक्ति देना. Now we are going to start the bestest thing of this law, which is called कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट. और उसमें हेडिंग बनाओ सबसे ऊपर और मेरे साथ साथ लिखते चलना. मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जितना लिखवा रहा हूं लिखो उसे चुपचाप. ठीक है, लिखो, कॉपी पेन उठाओ, लेके आओ, जाओ कॉपी पेन लेके आओ. नालायक लेटे हुए ऐसे, मुंह धोया नहीं है, नहाए नहीं है, बस बैठ गए, चलो उठो कॉपी लेके आओ, जाओ. सुबह सुबह उठ जाते हैं सर. देखो मैं इस चीज को मानता हूं, एक तो सुबह सुबह क्लास होगी 8 बजे और सबसे ऊपर की बात की लॉ की क्लास होगी तो भाई, और दूसरा एक तो सुबह, दूसरा लॉ, तीसरा ऑनलाइन, तो तुमको ना एकदम ऐसा कनेक्ट होके रहना है. ठीक है, जरा सा भी अगर हटाना कॉन्सेंट्रेशन तो मामला खराब हो जाएगा और वो मैं हटने नहीं दूंगा, तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं तुमको अपने साथ जोड़ के रखूंगा. ओए चलो लिखो, हेडिंग बनाओ कॉर्पोरेट लॉ. कह रहा है आपको कैसे पता कि हम नाए धोए नहीं है, साहस भी कभी बहुत ही. लिखो कॉर्पोरेट लॉ. दिस इज गोइंग टू बी फॉर 70 marks, बट इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना वो हमको पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है कंपनी लॉ वाला पार्ट. ठीक है, वो हमको पढ़ना है कंपनी लॉ वाला पार्ट. हेडिंग बनाओ कॉर्पोरेट लॉ और इसमें सबसे बड़ा पोर्शन हमें पढ़ना है कंपनी लॉ. अच्छा एक चीज बताना, कौन सा कंपनीज एक्ट अभी चल रहा है, कौन सा कंपनीज एक्ट अभी चल रहा है. बुक्स जो रहने वाली हैं, मैंने तुमको एक चीज शायद स्किप कर दी इसमें, बुक्स जो रहने वाली है ना, अपनी बुक्स रहेंगी, एक तो आपको मेन बुक मिलेगी, एक आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक. ठीक है, उसके साथ एमसीक्यूज भी रहेंगे और केस बेस्ड जो रहेंगे, जो भी चीजें मेरे को और रहेंगी वो मैं ऐसे आपको लूज नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा. तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ये सब पे कनेक्ट हो जाना, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे कनेक्ट हो जाना. ठीक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही मैं तुम तक कोई भी अपडेशन होगी वो पहुंचा पाऊंगा कि क्लास कब है, कब नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास है, कोई लाइव सेशन है, कैसे है, क्या है, वो सब इसी के थ्रू आपको मिलेगा. बुक्स में आपको एक तो मेन बुक मिलेगी जो अभी ये मैंने आपको दिखाई थी, दिस विल बी द मेन बुक टू यू गिवन टू यू. तो इस प्रकार की मेन बुक रहेगी, फुल एकदम मस्त बढ़िया वाली बुक बनाई है. ठीक है, और उस बुक के अंदर आपको सब कुछ एकदम कलर कोडेड मिलेगा. ठीक है, जो आपकी हेडिंग्स रहेंगी विद द ब्लैक पोर्शन एंड आपका जो कंटेंट रहेगा विद द ब्लू, जो आपके कीवर्ड्स होंगे विद द रेड, अमेंडमेंट्स आपकी रहेंगी ग्रीन से. ठीक है, मतलब जो भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको आंसर में जरूर लिखें, वो शब्द बहुत जरूरी है लिखने, तो वहां पर आपको वो सारा चीजें जो है वो सारी आपको ऐसे रेड से मिलेंगी. बोलो हां जी यस सर. तो अभी हमारा जो कंपनीज एक्ट है, फास्ट ट्रैक जो है Jan 25 के लिए, उसकी अभी कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट करेंगे, बट यस वी विल टेक. सुने सर, अभी हमारा जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013. नाउ प्लीज बी सीरियस, कंपनीज एक्ट 2013. सर आप हमें कंपनीज एक्ट पढ़ाने वाले हो या कंपनी लॉ पढ़ाने वाले हो, पहले आप हमें यह बताओ कि आप हमें कंपनीज एक्ट पढ़ाने वाले हो या कंपनी लॉ पढ़ाने वाले हो. तो मैंने बोला मैं तुम्हें कंपनी लॉ पढ़ाने वाला हूं, तो सर फिर ये एक चीज बताओ कि ये कंपनी लॉ में और कंपनीज एक्ट में अंतर क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग है.
क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग है? सर कंपनी लॉ में और कंपनीज एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लिखो पहली बात, सबसे पहली चीज, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लॉ में और एक्ट में क्या अंतर होता है? पता है जो लॉ होता है ना, एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिखे हैं उस चीज के, बट एक्ट इज नॉट द ओनली लॉ। सिर्फ एक्ट लॉ नहीं होता, लॉ के अंदर देर आर मेनी थिंग्स जिसको कंपाइल कर एक पूरा लॉ बनता है। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिलाकर क्या बनता है, एक लॉ बनता है। इज इट क्लियर टू यू? सर बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलाकर क्या बनता है, एक लॉ बनता है। ऐसे कह लीजिए कि लॉ के अंदर ही एक्ट आता है। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा चैट में, सर लॉ के अंदर ही एक्ट आता है। प्रज्वल इज ऑल्सो सेइंग लॉ इंक्लूड्स एक्ट। परफेक्ट आंसर प्रज्वल, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। सर लॉ के अंदर ही एक्ट आता है। आपको पता है लॉ के अंदर क्या क्या आता है? सर लॉ के अंदर, वेरी गुड बेटा, सर लॉ के अंदर सबसे पहले तो आता है एक्ट। लॉ इंक्लूड्स, लिखो मेरे साथ साथ, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। सर लॉ के अंदर एक्ट आता है। तुमको पता है ये जो तुम लिख रहे हो ना, बुक से भी ज्यादा बेनिफिशियल आपको ये रहने वाला है जो आप लिखोगे। द नोट्स यू विल मेक ना, जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, सर हम पेपर में लिखेंगे क्या, क्या हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी, क्या जैसा एग्जैक्ट बेयर लॉ में लिखा है वैसा हमको लिखना पड़ेगा? बेयर लॉ क्या होता भी बताऊंगा, एग्जैक्ट जैसा लॉ मेकर ने लिखा वैसा लिखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, तुमको वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूं, तुम ऐसे लिखो। और मैंने भी जब लिखा था तो मैंने भी कोई एग्जैक्ट लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं करी, कोई भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर सकता भाई। आपको समझ कर उसको ऐसा लिखना है कि मीनिंग ना बदले उसका, बस ठीक है। सो लॉ में क्या क्या आता है? सर लॉ में आएगा सबसे पहले तो एक्ट, लॉ में आते हैं रूल्स, लॉ में आती हैं रेगुलेशंस, लॉ में आते हैं डिसाइडेड केस लॉस, जिनको आप बोलते हो जजमेंट्स। लॉ में आती हैं डिसाइडेड केस लॉस, लॉ में आते हैं सर्कुलर्स, लॉ में आते हैं नोटिफिकेशंस। सर ये सबका मतलब क्या होता है? द एक्ट जिसके अंदर मेन प्रोविजंस लिखे रहेंगे, रूल्स जो सपोर्ट करेंगे टू द एक्ट, रेगुलेशंस में भी कुछ प्रोविजन रहेंगे जो एप्लीकेबल होंगे। जैसे सेबी जो है, आपने सेबी सुना हुआ है ना? हाँ सेबी सुना हुआ है सर हमने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी भी जो है वो कुछ रेगुलेशंस बनाता है, और भी जो सारी रेगुलेशंस जो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेंगी। सर डिसाइडेड केस लॉस बोले तो वो केस लॉस जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब दो लोगों के बीच में लेट से कोई डिस्प्यूट हुआ, वो मैटर गया अथॉरिटी के पास, जुडिशियल अथॉरिटी के पास, उन्होंने उस डिस्प्यूट पर अपना जजमेंट दिया, तो वो जजमेंट भी हमको रेफरेंसेस के लिए यूज करने पड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड डिसाइडेड केस लॉस। जैसे जब तुमने बचपन में कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऐसा किस किस ने पढ़ा था? हाँ हाँ सर पढ़ा तो था, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और ये डिफाइन कौन से केस लॉ ने किया था, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों को बचपन याद है, कितने लोगों को फाउंडेशन याद है। तुम लोग फाउंडेशन निकाल के आए ना, मुझे ये बताओ किस किस को ये याद है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी कौन से केस लॉ ने डिफाइन करी थी? द लैंडमार्क केस लॉ, जिसके बिना कंपनी लॉ अधूरा है। एक केस लॉ तो बनता है भाई, एक केस लॉ तो तुम्हारा बनता है, एक तो तुमको याद होना बनता है। कौन सा केस लॉ सबसे ज्यादा जरूरी था? बोलो बोलो ना, अरे बोलो नालायको। वेरी गुड वेरी गुड, सोलोमन। तो एक बच्चे ने लिखा है सैलोमन, दूसरे लिखा है सोलोमन, ठीक है, फिर सैलोमन सोलोमन सैलोमन, धीरे धीरे ना तुम सैलमन भाई पे आ जाओगे। सैलमन भाई की बात नहीं हो रही यहां, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस। सर लैंडमार्क केस जिसके बिना कंपनी लॉ अधूरा है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, द लैंडमार्क केस। तो दिस इज कॉल्ड केस लॉ। अच्छा तुमने एक और भी पढ़ा होगा, मेरे को याद आ रहा है तुमने एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट पढ़ी होगी बचपन में, है ना, वो भी थोड़ा बहुत सीख के आया होगा। तो तुमको लग रहा होगा अरे इंटर तो अपन निकाल लेंगे, इंटर तो ये तो सब वही पढ़ा रहा है, सब वही नहीं है भाई, ठीक है, बहुत कुछ एडवांस होने वाला है। तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट आप पढ़ के आयोगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट में आप पढ़ के आयोगे
वो रेलवे एश्वरी वाला केस याद है? प्रज्वल कह रहा है बट सैलोमन वर्सेस सैलोमन से भी पहले एक केस लॉ था, वो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था, ठीक है, कौंडोली टी कंपनी लिमिटेड वाला, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस था, बट उसको डिस्कस करेंगे बाद में, चलो। सो ऐसे केस लॉज भी आपको पढ़ने हैं। सर सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है? सर्कुलर्स का मतलब होता है जब भी लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो लॉ यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करते हैं, वो सर्कुलर्स इशू करते हैं क्लैरिफिकेशन लाने के लिए कि भैया हमारे हिसाब से ये इस पर्टिकुलर प्रोविजन का मीनिंग होना चाहिए। मतलब या तो देखो आप बोलते हो कि सर हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कुछ बताएं हमें इस चीज पर, कुछ गाइड करें, तो वो सर्कुलर इशू करते हैं। या फिर अगर उनको खुद से भी लगता है कि नहीं इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, हमको कुछ क्लैरिफिकेशन देनी है, तो उसके लिए सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। और नोटिफिकेशंस के थ्रू चीजों को नोटिफाई किया जाता है, किसी चीज को इफेक्टिव बनाना है, मतलब कोई चीज को इफेक्ट में लेकर आना है, कोई चीज को इंप्लीमेंट करना है, जैसे कोई नया सेक्शन आपको इंट्रोड्यूस करना है, कोई इफेक्ट में लेकर आना है, तो दैट इज उसके लिए आप क्या इशू करते हो, नोटिफिकेशंस। और इन सब चीजों को मिलाकर क्या बनता है, लॉ बनता है। तो मैं आपको बताऊं, जो एक्ट होता है ना, ये एक्ट एक पार्ट होता है किसका, लॉ का। तो मैं बोलूंगा एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। अब मुझे फटाफट से चैट पे लिख के बता दो कि आप एक्ट पढ़ने वाले हो या लॉ पढ़ने वाले हो। पूरा मत लिखना, पूरा लिखने में बहुत टाइम जाएगा, पूरा बहुत टाइम जाएगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दो ए या एल, ऐसे लिख दो, आप एक्ट पढ़ने वाले हो या लॉ पढ़ने वाले हो, ए या एल। सर हम एक्ट पढ़ने वाले हैं या लॉ पढ़ने वाले हैं? सर हम लॉ पढ़ने वाले हैं, विच मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओनली द कंपनीज एक्ट 2013। आपको सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, आपको कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, उसके साथ रूल्स भी पढ़ने हैं, उसके साथ रेगुलेशंस भी पढ़नी है, उसके साथ डिसाइडेड केस लॉज भी पढ़ने हैं, उसके साथ सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं, उसके साथ नोटिफिकेशंस भी पढ़नी है, ये सारा मिलाकर हमको पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड कंपनी लॉ। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से लिख दो यस सर, जल्दी से लिख दो यस सर, मेरे को मजा आ जाएगा। एक बार जल्दी से लिख दो यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, एकदम मस्त, समझ में आ रहा है। चलो आगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं लगाते हैं, इतनी देर नहीं लगाते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। सर आपने हमें यह तो बता दिया कि लॉ में क्या क्या आता है और एक्ट में क्या क्या आता है। अच्छा लॉ में एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा और जानना चाहोगे, थोड़ा सा और बताऊं? पता है एक लॉ में आता है ऑर्डिनेंस। क्या आता है? ऑर्डिनेंस। सर यह क्या होता है, यह तो हमने कभी सुना ही नहीं। लॉ में आता है ऑर्डिनेंस, बोलो ना। हां जी, हां जी सर, लॉ में आता है ऑर्डिनेंस। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है, आपको ये पता है पार्लियामेंट जो होती है ना, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे ब्रेक पे चली जाती है, रिसेशन पे, रिसेशन बोल रहा हूं, वो ब्रेक पे जाती है, ठीक है, और उस समय वो सेशन में नहीं होती है। सर क्या ही बोलते हो आप, जो पार्लियामेंट होती है वो ब्रेक पे जाती है और वो सेशन में नहीं होती है, ठीक है, रिसेशन में नहीं, वो सेशन में नहीं होती है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है ना, तो उस समय अगर मान लो कोई लॉ की जरूरत पड़ जाए, तो जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक टेम्परेरली लॉ बना लेते हैं और वो लॉ को हम नाम देते हैं ऑर्डिनेंस। तो ये भी लॉ का बेटा जी पार्ट होता है, ये याद रखना, दैट ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉ। तो जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसाइडेड केस लॉ, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, ये तो आएगा, बट इसके अलावा ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंदर आता है। एक बच्चा लिख रहा है मैन, हाँ ठीक है, मेरे को लगा बोला प्रेसिडेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, तब ये जो लॉ बनाया जाता है इसको अपन नाम देते हैं क्या, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा कि सर हमको पढ़ना क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। आप मुझे ये बताओ कि सर कोई भी लॉ जब बनाना होता है तो वो कैसे बनता है। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, ये लॉ बनाया तो ये पावर कहां से मिली, किसने पावर दी कि ये लॉ बनाओ? तो ये लॉ बनाने की पावर जो होती है ना, इट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा सुना है हमने, बोलते कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, मतलब जितने भी लॉज होते हैं ना
उनका ओरिजिनेशन इंडिया के अंदर कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। जितने भी लॉज होते हैं उन सब का ओरिजिनेशन इंडिया में कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से है सर। हर लॉ का ओरिजिनेशन इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, सारे लॉज का मदर कंसिडर किया जाता है, इज टू बी कंसिडर एज द मदर ऑफ ऑल लॉज। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे हम एक्ट में सेक्शंस पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं, और उन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल रहता है आर्टिकल 246 रेड विद सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपने सुना होगा, ये सब बचपन की बातें, थोड़ा सा याद करा रहा हूं, कि तीन लिस्ट आपने पढ़ी होंगी। एक लिस्ट आपने पढ़ी होगी लिस्ट वन, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक पढ़ी होगी आपने लिस्ट टू, जिसको आप बोलते हो स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट आपने पढ़ी होगी लिस्ट थ्री, जिसको आप बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सर, जो ये यूनियन लिस्ट होती है ना, इसमें वो सब मैटर्स लिखे होते हैं जिन पर लॉ मेकिंग पावर इज विद द पार्लियामेंट, जिस पर लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल लॉज है, और जिस पर लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। सर, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे होते हैं ना, ये लिस्ट पर जितने भी मैटर्स लिखे हैं वो सब मैटर्स पर लॉ मेकिंग पावर इज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, ऐसा बोलते हैं हम, लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। हमारी कंट्री में ना तीन पिलर्स रहते हैं, एक कौन रहता है? लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक होता है जुडिशियरी। ये सुनो आराम से, तुमको ये भी नहीं पता रहेगा मेरे को तो लगता है। एक कौन होता है? लेजिस्लेचर। एक कौन होता है? जुडिशियरी। और सॉरी, एक कौन होता है? लेजिस्लेचर। एक कौन होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एक कौन होता है? जुडिशियरी। सर, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसका इंप्लीमेंटेशन करवा रहा है, जो उसका इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन देख रहा है, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और उसको रिजोल्व करवाना है तो वो कौन संभालता है? जुडिशियरी। सर, लेजिस्लेचर बोले तो जो लॉ बनाता है, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, ठीक है, सरकार लॉ नहीं बना रही है, लॉ मेकिंग पावर इज विद द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सर, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है? दो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, ये तो हमने सुना ही नहीं, सुना है तुमने। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। सो पार्लियामेंट के, अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउस होते हैं? दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लॉ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। सर, जो लॉ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। जो लोग मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको बोला जाता है MLA। और जो लोग, वो तुमने सुने हमारे चाचा विधायक हैं, वो यही हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं MLCs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यस, दिल्ली में कॉन्सेप्ट नहीं है विधान परिषद का, यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बट स्टेट्स में दोनों भी होती है, कुछ स्टेट्स में दोनों भी रहती है, ठीक है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर्स होते हैं ना, इन पर लॉ मेकिंग पावर इज विद द बोथ। बोथ बोले तो यहां पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। सर, कौन से मैटर्स यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं? फॉर एग्जांपल, यहां पर आपके इनकम टैक्स का मैटर जो है, अच्छा, इसमें ना एंट्रीज में मैटर लिखे हुए हैं, तो यहां पर वो सारे मैटर्स किस फॉर्म में लिखे हैं? एंट्री की फॉर्म में लिखे हैं, एंट्री नंबर वन, एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर थ्री, ऐसे बड़े सारे मैटर लिखे। सर, कौन से मैटर लिखे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और यहीं पर आपका एक मैटर लिखा है रिलेटेड टू योर कंपनी लॉ। लॉ मेकिंग पावर इज विद द पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर इज विद द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? यस सर। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ये कौन सा लॉ बनाते हैं? सर, वो मैटर्स जो स्टेट से डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लीकर, अगर लीकर का मैटर है तो उस पर लॉ बनाने की पावर इज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। सर, फॉर एग्जांपल स्टैंप एक्ट होते हैं, स्टैंपिंग लगती है, जब आपने देखा वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है तो वैसे लीगल सा पेपर आता है जुडिशियरी का, उस पर ऐसे ऊपर एक शेर बना रहता है, ऐसा सा रहता है, दैट स्टैंप इज कवर्ड अंडर स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट एक्ट बनाती है उस पर, ठीक है। बोथ जो है कॉन्करेंट वाला, इसमें सर कौन से मैटर्स होते हैं, इसमें कौन से लॉ बनते हैं? अच्छा, स्टेट का एक और मैटर बताता हूं, पुलिस। पुलिस का जो मैटर होता है वो स्टेट का होता है, तो उस पर जो लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा? स्टेट। और बोथ में दोनों के पास पावर्स है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी, फॉर एग्जांपल
मैट्रिमोनियल मैटर्स मतलब लाइक मैरिज डिवोर्स इन सब मैटर्स पर स्टेट लॉ भी होते हैं और सेंटर लॉ भी होते हैं, ठीक है। तो ये लॉ मेकिंग पावर रहती है और ये लोग लॉ बनाते हैं, हमको भी उठाना है, हमको उठाना है ये सर कि यहां पर लॉ किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट ने बनाया होगा। तो सर हमको ये जानना है कि ये लॉ बना कैसे, पार्लियामेंट ने लॉ तो बनाया बट ये कंपनी लॉ बना कैसे, हाउ दिस लॉ इज बीइंग मेड। तो लिखो हाउ द लॉ इज मेड, हाउ द लॉ इज मेड। तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है जल्दी से चैट में लिख दो हाउ द लॉ इज मेड। क्या एक प्रोसीजर रहता है फॉर मेकिंग एनी न्यू लॉ, द प्रोसीजर। और तुम लोग को राइटिंग वाइटिंग एकदम क्लियर है ना, मस्त समझ में आ रही है ना, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेरी अच्छी नहीं होगी, तुमको आदत हो जाएगी। प्रोसीजर फॉर मेकिंग एनी न्यू लॉ। अच्छा, हमने ऐसा सुना है हमारी कंट्री में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। हाँ सर, एक रेलवे मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं ऐसे, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है। हर मिनिस्ट्री का एक अलग मिनिस्टर है और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और बाकी सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो जिस भी चीज से रिलेटेड लॉ बनाना होता है उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को बोला जाता है कि आप इस पर लॉ बनवाइए। पर एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं कंपनी मैटर्स की और कंपनी मैटर्स से जो मिनिस्ट्री डील करती है ना, अभी इस पर डिस्कशन करूंगा, कंपनी मैटर्स पे जो मिनिस्ट्री डील करती है ना उस मिनिस्ट्री का नाम है एमसीए। क्या बोला मैं, एमसीए, ओए एमसीए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बस। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इनको बोला जाएगा कि आप लॉ बनाइए। कंपनीज एक्ट आया 2013, तो आपको क्या लगता है कि जो मिनिस्टर होते होंगे वो खुद बैठ के क्या लॉ बनाते होंगे? अरे नहीं, वो थोड़ी लॉ बनाएंगे। अच्छा, एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब हु इज हैंडलिंग, हु इज एडमिनिस्ट्रिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, चलो ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो पता ही होना चाहिए, अब ये मत बोल देना पृथ्वीराज चौहान, आलिया भट्ट वाली हरकतें नहीं करनी तुमको यहां पे, यू नो इफ यू नो। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? सर, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एट प्रेजेंट वही संभाल रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपको क्या लगता है कि वो बैठकर लॉ बनाती होंगी? नहीं। तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होती है ना, लिखो स्टेप वन, एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो होती है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एक कमिटी सेटअप करती है और वो जो कमिटी होती है वो कमिटी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है। क्या बोला मैंने, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होती है, कोई भी लॉ बनना है तो वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एक कमिटी सेटअप करेगी और वो कमिटी में कौन लोग होते हैं? सर हम ही लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और जब लॉ बनते हैं तो बड़ी बड़ी एडवोकेट फर्म्स हो गई, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हो गई, उनको भी अपने साथ एसोसिएट किया जाता है कि आप लोग भी इस पे जो है सहभागिता दिखाइए और आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना सपोर्ट दीजिए इस चीज को कि कैसे कैसे क्या क्या हम बना सकते हैं। तो वहां पर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, इस ड्राफ्ट को हम नाम देते हैं, दिस ड्राफ्ट इज बिल, ये अभी एक्ट नहीं बना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बिल, दिस ड्राफ्ट इज बिल। जब तक वो एक्ट नहीं बन रहा वो बिल रहता है, दिस ड्राफ्ट इज बिल। और ये बिल जो है ये प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, प्लेस्ड बिफोर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बहुत सारी अलग अलग मैटर्स पर स्टैंडिंग कमिटी होती है, वो स्टैंडिंग कमिटी के पास ये बिल सबमिट किया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको देखिए और आप इसको पास कीजिए। टू प्लेस दिस बिल बिफोर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूव, गेट अप्रूव्ड, और वहां से आप क्या करवाइए, इसे अप्रूव करवाइए।
इसके बाद यह बिल प्रेजेंट किया जाता है इन द लोकसभा, फिर यह बिल प्रेजेंट होगा सर लोकसभा में, देन दिस बिल इज टू बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, फिर सर इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है कहां पर, लोकसभा में। सर पहले राज्यसभा में भेज सकते हैं क्या? हाँ, कुछ कुछ ऐसे मैटर रहते हैं जिनके पहले राज्यसभा में भी जा सकते हैं, बट कुछ मैटर्स ऐसे रहेंगे, कुछ बिल ऐसे रहते हैं जो सीधा पहले लोकसभा ही जाएंगे उसके बाद राज्यसभा ही जाएंगे, वो पहले राज्यसभा नहीं जा सकते। आप बिल प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, लोकसभा इसे अप्रूव करेगा, लोकसभा से अप्रूव होने के बाद फिर इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन द राज्यसभा, फिर इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन द राज्यसभा। तुम लोग लिख रहे हो ना, मैं तुम पे विश्वास करके तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम लिख रहे हो अच्छे से, ठीक है। लोकसभा के बाद इसको प्रेजेंट किया जाता है इन द राज्यसभा, और जब राज्यसभा में से भी अप्रूव हो जाता है, इसके बाद सर इसको हरी झंडी देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन दिस इज साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हेन इट इज साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही उस पर राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट जी उस पर अपनी असेंट दे देते हैं, उस पर अपनी स्वीकृति जता देते हैं कि यस आई एम अग्रीइंग टू दिस थिंग, और वो उस पर प्रेजेंस अपनी असेंट देते हैं, वो उसको अपना जो है अपनी सहमति देते हैं, देन एंड दैट उसी समय दिस बिल गेट्स कन्वर्टेड इंटू एक्ट। सर ये बिल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्ट में, दैट आई गिव माई एक्सेंट, my assent, not accent, I give my assent, this bill gets converted into act, और ये bill जो है वो convert हो जाता है किसमें, act में। पर एक बात बताओ, bill तो bill sir bill तो pass हो गया, और bill pass होने के बाद वो act भी बन गया, पर अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो बना ये किसको पता चला कि क्या बना, ये act तो बन गया, पर ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या law बना, तो लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई लॉ बन गया, ऐसा कोई एक्ट बन गया, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में बना, फिर उसके बाद उस पर प्रेजिडेंट ने असेंट दे दी, वो पास हो गया, एक्ट बन गया, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई, हमें भी तो बताओ। तो इसीलिए इसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, लिखो इसको, पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। सर ये क्या होता है, ऑफिशियल गजट क्या होता है, इसको लिखना, मैं दोबारा बताता हूं, अभी पहले एक बार पूरा लिख लो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर ये ऑफिशियल गजट क्या होता है, ऑफिशियल गजट का मतलब होता है, लिखो, भारत का राजपत्र। वाओ, क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। सर इसके अंदर ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे आप इसको पब्लिश करेंगे, और ये नोटिफाई हो जाएगा टू द पब्लिक कि ऐसा ऐसा एक एक्ट बना है, ऐसा ऐसा एक एक्ट बना है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ये देखो, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, दिस इज द वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर आप क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, व्हेन इट गॉट पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट। सर जब बिल पे एक्सेंट आई थी, बिल पे एसेंट आई थी प्रेसिडेंट साहब की, तो वो एक्ट बन गया, पर ये गेजेट में पब्लिश करके क्या हुआ, जिस दिन वो गेजेट में पब्लिश हो जाता है ना, तो समझ लेना उस दिन से वो एक्ट इफेक्टिव हो जाता है, मतलब वो चीज इफेक्ट में आ गई, वो चीज फोर्स में आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि हम पब्लिक को लाने, पब्लिक के नोटिस में लाने के लिए इसको नोटिफाई करेंगे इन द ऑफिशियल गैजेट। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। इज इट क्लियर? जैसे ही ये पब्लिश होगा तो मैं बोलूंगा इस दिन से वो लॉ क्या बन गया, इफेक्टिव बन गया। नाउ द लॉ दैट एक्ट इज इफेक्टिव, अब वो एक्ट क्या हो चुका है सर, इफेक्टिव हो चुका है। समझ में आ गई बात? जल्दी से लिख दो यस सर, एक बारी सारे दोबारा से स्टेप्स रीड कर लेते हैं। सर कोई भी लॉ हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, वो कंसर्न मिनिस्ट्री एक कमेटी सेटअप करेगी,
वो कमेटी क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट में कब लिखेंगे हम कि क्या कैसे हमको प्रोविजंस डालने हैं। जब वो ड्राफ्ट बनाया जाएगा वो ड्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा बिफोर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, पहले उसके पास जाएगा और वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, अलग अलग मैटर्स पर पार्लियामेंट की अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज होती है, वो कमेटीज काम संभालती है। पहले आप उनसे अप्रूव कराएंगे, उसके बाद बिल को प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में, वहां से अप्रूव होगा। उसके बाद बिल को प्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा में, वहां से अप्रूव होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उस पर अपनी स्वीकृति जता देंगे, एंड व्हेन वंस द प्रेसिडेंट विल गिव द असेंट टू दिस, उसके बाद सर ये बिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्ट में। दिस बिल गेट्स कन्वर्टेड इंटू एक्ट, और व्हेन दिस बिल कन्वर्टेड इंटू एक्ट वो क्या बन जाएगा, एक्ट। इस दिन एक्ट बन गया। अब जब एक्ट बन गया तो हमको कैसे पता चला कि एक्ट बन गया, सो पब्लिक को बताने के लिए इसको नोटिफाई किया जाता है इन द ऑफिशियल गेजेट, और उसके बाद ये एक्ट क्या हो जाता है सर, इफेक्टिव हो जाता है व्हेन वंस इट गेट्स पब्लिश्ड इनटू द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं क्या, नोटिफिकेशन के थ्रू एक नोटिफिकेशन लाकर इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गेजेट में। सो यस यू विल पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट बाय द वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, बाय द वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। यहां तक की कहानी जल्दी से लिख दो चैट में, सबको समझ में आ गई है, एक बार प्लीज लिख दो, प्लीज ना, प्लीज 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 लिख दो ना, प्लीज एक बार सब लिख दो, यस सर, एक बार सब लिख दो प्लीज चैट में, यस सर। यहां तक की कहानी एकदम से सर हमको क्लियर है, मस्त एकदम क्लियर है। और हम आगे बढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। आंटी जल्दी लिखो, क्लियर क्लियर क्लियर, ओए क्लियर या ऑल क्लियर, क्लियर सर क्लियर, ऑल क्लियर नहीं करना है भाई, ऑल क्लियर हुआ तो फिर मामला खराब हो जाएगा। जल्दी से लिख दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो अब सर हमें ये तो समझ में आ गया, वो उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ कौन सी कमेटी आती है, वो उनकी अपनी अपनी कमेटीज होती है, वो उनकी अपनी अपनी कमेटीज रहती हैं कि भैया हमको ये काम पे एक लॉ बनाना है तो इसके लिए हम ये कमेटी सेटअप करेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग कमेटी रहती है। ठीक है, चले आगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, यस सर। चलो अब हमें ये तो समझ में आ गया सर लॉ कैसे बनता है, ये सब कुछ समझ में आ गया, और लॉ में और एक्ट में हमको अंतर भी समझ में आ गया। अब हमको स्टार्ट करना है सर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा कभी भी कंपनीज एक्ट लिखेंगे ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लिखते, दिस एक्ट का मतलब होता है एक्ट, ये एक्टिविटी डिनोट करता है। ठीक है, आपको जब भी कभी एक्ट लिखना है ना तो यू ऑलवेज हैव टू राइट एक्ट लाइक दिस, ऐसे ही लिखना जरूरी है सर, अगर वैसे लिख लेंगे तो क्या ही रहेगा, की फर्क पैंदा है, फर्क पैंदा है। ठीक है, अगर आप वैसे एक्ट लिखते हो ना तो दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज एन एक्ट, दिस एक्ट इज इनवैलिड, वो ऐसे वाला एक्ट हो जाता है। तो आपको जब भी एक्ट लिखना है तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा एक बार बताओ, आप बोले कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो 2013 में कंपनीज एक्ट आया कि इससे पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी, होती थी क्या, इससे पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी, होती थी सर। अगर इससे पहले कंपनी होती थी तो वो कंपनीज फिर कौन से लॉ से गवर्न हो रही थी, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया, तो पहले का कंपनीज जो थी वो गवर्न ही नहीं थी, मतलब उनका कोई लॉ ही नहीं था, उनका कोई एक्ट ही नहीं था, था ना। कंपनीज एक्ट से पहले एक लॉ हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। तो सर जब हमारे पास 1956 था तो फिर हम उसे हटाकर 2013 क्यों लाए, तो उसके बड़े सारे कारण थे सर। 1956 वाला जो एक्ट था ना, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल चला 10 साल चला, बहुत साल कंपनीज एक्ट 1956 चला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि इस एक्ट के अंदर देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज कि अब इस एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, इस एक्ट को खत्म करना पड़ेगा और हमें एक नए एक्ट की जरूरत है। ठीक है, 1956 वॉज द आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला एक्ट, जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद का सबसे पहला एक्ट था 1956। ठीक है, वो एक्ट बहुत चला, बट लेटर ऑन 1991 में एलपीजी आ गया, इकोनॉमी पूरी ऑल टुगेदर बदल गई, स्कैम्स होने लगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा स्कैम सामने निकल कर आया, दैट इज हर्षद मेहता स्कैम। ठीक है, उसके बाद एक सत्यम स्कैम करके बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बड़े सारे घोटाले होने लगे, चीजें बहुत बदल गई, पहले इकोनॉमी बहुत अलग रहा करती थी, अभी अलग इकोनॉमी का सिनेरियो बहुत ऑल टुगेदर चेंज हो गया, तो लीगल एस्पेक्ट्स को भी बदलना पड़ेगा।
और उसी लिए 1956 कर बदल कर 1956 को बदल कर क्या लेकर आए, 2013 लेकर। बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस थे जो कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करते थे, बट वो 2013 में ऑल टुगेदर एबॉलिश कर दिए गए क्योंकि उनका 1956 में भी कोई रेलेवेंस था नहीं। ठीक है सर, आपने 1956 पढ़ा था क्या? यस, व्हेन आई वाज इन एग्जीक्यूटिव, ना आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव इन द ईयर 2013, आज से 11 साल पहले आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव। है सच्ची? हाँ, आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव इन द ईयर 2013 और तब 1956 था, मतलब जब मैं एग्जीक्यूटिव में था ना तो 1956 पढ़ रहा था मैं, और 2013 का जो ये एक्ट जो आप पढ़ते हो ये हमारे सामने आया था, मतलब वी वर विटनेसिंग द चेंज ऑफ दिस 1956 टू 2013। और 1956 में हमने जो 1956 वाला लॉ पढ़ा था ना, कई सारी ऐसी चीजें थी जो 2013 में नहीं लाई गई। जैसे आप लोग 12th क्लास में कंपनीज शेयर कैपिटल पढ़कर आए, तो जो आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ा आपने सुना होगा शेयर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, बट 1956 बोलता था शेयर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता था। अब शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, ये आगे चलकर पढ़ाऊंगा मैं तुमको, बट 1956 में अलाउड था शेयर, तीन प्रकार से इशू होता था। इनफैक्ट हमने जो क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ी थी ना, हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस में भी तीन तरीके के क्वेश्चन होते थे, पार भी होता था, प्रीमियम भी होता था और डिस्काउंट भी होता था। और मेरे तो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन था सीबीएसई दिल्ली 2012 एग्जामिनेशन, आज भी वो वेबसाइट पे होगा, आप निकाल कर देखना, मेरे तो एग्जाम का जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 15 सीबीएसई दिल्ली 2012 सेट नंबर 2, उसका क्वेश्चन भी डिस्काउंट का ही आया था जिसमें इशू डिस्काउंट पे हुआ था, उसका आंसर भी 7000 था। सर ये कैसे याद है आपको? अरे बस रख लेते हैं, सुने तो पहले डिस्काउंट पे भी इशू होता था, पहले क्वालिफिकेशन शेयर्स करके कॉन्सेप्ट होता था, मतलब अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको इतने शेयर पहले लेने पड़ेंगे तो डायरेक्टर बनोगे, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, यू कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विदाउट हैविंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो पहले कई सारी ऐसी चीजें थी जहां 1956 में उसको जगह दी गई थी बट 2013 में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रखी गई। सर 1956 क्या पहला कंपनी लॉ था? नहीं। क्या पहला कंपनीज एक्ट था? नहीं। सर 1956 से पहले भी एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1913। आप सोचो कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी एक एक्ट होता था, कौन सा? कंपनीज एक्ट 1913। सर 1913 से पहले भी कोई एक्ट होता था क्या? यस सर, 1913 से पहले भी एक एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट 1882। सर 1882 से भी पहले कोई एक्ट होता था क्या? यस सर, कंपनीज एक्ट 1856। और सर इससे पहले भी कोई एक्ट होता था क्या? यस सर, इससे पहले भी एक एक्ट होता था, दैट वॉज कंपनीज एक्ट 1850। दिस वॉज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो भारत में लाया गया था, ब्रिटिशर्स लेकर आए। सर कंपनीज का कॉन्सेप्ट इंडिया में सबसे पहले लाया ही कौन था? ब्रिटिशर्स। एंड थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, कॉर्पोरेट्स का कॉन्सेप्ट, कंपनी का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। 1850 वॉज द फर्स्ट एक्ट जो लाया गया था कहां पर? इंडिया के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी करकर एक कंपनी थी जिसको ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, और कंपनी का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी 1850 में उस कॉन्सेप्ट को लाया गया और कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इन द इंडिया। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो इस प्रकार से ये एवोल्यूशन हुआ कंपनीज एक्ट का, बट आज एट प्रेजेंट अपने को क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013। सर एक बात बताओ, आप अभी ये बोल रहे थे कि हर लॉ की कोई ना कोई ऐसे मिनिस्ट्री होती है, मतलब हर चीज की कोई मिनिस्ट्री होती है, लाइक फाइनेंस की कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, हेल्थ के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो ऐसी कंपनीज एक्ट के लिए भी कोई मिनिस्ट्री है क्या? क्या कंपनीज एक्ट की कोई मिनिस्ट्री है या इसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है? आप ये भी तो बताओ हमें। सो इज देयर एनी मिनिस्ट्री फॉर द कंपनीज एक्ट? यस सर। यहां अब मैं बात करने वाला हूं, व्हाट आर द अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, कौन सी अथॉरिटीज से आप डील करेंगे इन दिस कंपनी लॉ? कंपनी लॉ में कौन कौन सी अथॉरिटीज आने वाली हैं? सर जो ये कंपनीज एक्ट है ना, इसके जितने भी मैटर्स हैं, इसको एक मिनिस्ट्री हैंडल करती है जिस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो ना, बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये जो कंपनीज एक्ट का मैटर है,
इसको डील करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. इसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. अभी थोड़ी देर बाद मैं इसकी वेबसाइट के दर्शन तुम्हें कराऊंगा कि ये क्या है, कैसे है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सर, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, तुमको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सुनो. आपको पता है 2004 से पहले, प्रायर टू 2004, एमसीए था ही नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2004 से पहले नहीं था. सर, 2004 से पहले नहीं था, क्या बातें कर रहे हो आप? सुबह सुबह क्या फूक के आए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं था, और अभी आप एक तरफ बोले कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 1956 हुआ करता था, 1956 से पहले 1913 हुआ करता था. तो सर, वो जो कंपनीज चल रही थी उनकी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2004 से पहले नहीं था. 2004 से पहले चला करता था मिनिस्ट्री ऑफ, पता है आपको, जो कंपनी के मैटर्स होते थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, ऐसे करके एक मिनिस्ट्री होती थी. और इसके अंदर एक छोटू सा डिपार्टमेंट होता था, वो डिपार्टमेंट होता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, देयर वॉज अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स में एक छोटू सा डिपार्टमेंट होता था, वो डिपार्टमेंट होता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और वो डिपार्टमेंट जो था, वो डिपार्टमेंट ये काम संभालता था. 2004 में देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज मनमोहन सिंह, वो अभी भी है, बट उन्होंने तब ये बोला कि कंपनी लॉ के मैटर्स इतने छोटे नहीं है कि आप किसको, आप इसको एक किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को दे रहे हो कि आप चलाओ. नहीं, ये इतने छोटे मैटर्स नहीं है, आपको इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनानी चाहिए. मतलब 2004 में ही वॉज द पर्सन हु मेक एवरीवन रियलाइज, हु मेड एवरीवन रियलाइज कि भैया देयर मस्ट बी अ मिनिस्ट्री, सेपरेट मिनिस्ट्री चाहिए इसके लिए, और बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी. और तब जन्म हुआ किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. फिर एमसीए लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाई, और ये मिनिस्ट्री जो है आज के टाइम पे कंपनी लॉ के मैटर्स को संभालती है. 1956 वाला जो एक्ट हुआ करता था ना, एमसीए तो था नहीं, एमसीए आया 2004 में, बट पहले क्या चला करता था, पहले डीसीए होता था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मैं बोला ना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता था. आज आप लोग ये शब्द सुनते हो, एनसीएलटी क्या होता है सर, हमने सुना है ट्राइब्यूनल होता है, अभी सब बात करूंगा मैं, ठीक है, हमने सुना है एनसीएलटी होता है. पहले ये सब नहीं था, पहले एमसीए नहीं था, पहले तो एमसीए की जगह डीसीए था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सर, पहले एनसीएलटी तो था नहीं, एनसीएलटी तो अब बना ना 2013 के एक्ट में. पहले होता था सीएलबी, सीएलबी होता था कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है. और फिर ये लोग कॉन्सेप्ट वो सब हटाकर लेकर आए किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, ये तो हो गई मिनिस्ट्री. सर, इसके अंडर आते हैं, इसके अंडर आते हैं आरडीज. कौन आते हैं? आरडीज. आरडीज होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स. आरडीज कौन होते हैं? रीजनल डायरेक्टर्स. कौन सा डिपार्टमेंट था? कौन से डिपार्टमेंट में था? मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स करके एक मिनिस्ट्री होती थी, जिसमें आपको ऐसा पता है मिनिस्ट्री में भी डिपार्टमेंट होते हैं. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब ये थोड़ी कि निर्मला सीतारमन जी सुबह उठ के सारे काम कर रही हैं. उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वो लोग अलग मैटर से डील करते हैं. फिर कोई और डिपार्टमेंट है तो वो कोई और मैटर से डील करता है. तो मिनिस्ट्रीज में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो वहां एक डिपार्टमेंट हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है. सो एमसी के अंदर आते हैं सर आरडी. सर, ये जो आरडी होते हैं, ये आरडी का काम क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरडी? ये आरडी क्या करते हैं अभी बताता हूं. और इन आरडी के अंदर, आरडी के अंडर जो आते हैं वो आते हैं आपके आरओसी. ये आपने सुना होगा शायद, ये फाउंडेशन में तुम जरूर सुन के आए हो, आरओसी, जिसको आप बोलते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ये आप जरूर सुन के आए हो, आरडी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. सर, कितने आरडी हैं इंडिया के अंदर? सो टोटल देयर आर 7 आरडीज इन इंडिया. टोटल देयर आर 7 आरडीज इन इंडिया.
सर कितने आरओसी हैं? लगभग अप्रॉक्स 25 आरओसीज आर देयर इन इंडिया। सर 7 आरडी हैं, 25 आरओसी हैं इंडिया के अंदर, 7 आरडीज हैं। सर ये आरडी का काम क्या होता है, ये आरओसी का काम क्या होता है, मैं थोड़ा सा तुमको बताता हूं। अगर कोई भी पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, कोई कंपनी बनाना चाहता है, तो वो पर्सन जो है वो एप्लीकेशन डालता है किसको? टू द आरओसी। वो एप्लीकेशन डालता है कंपनी की टू द आरओसी। यानी आप आरडी के पास नहीं जाते कंपनी बनाने, आप एमसी के पास नहीं जाते कंपनी बनाने। अगर आपको कंपनी बनानी है तो आप किसके पास जाते हो? आरओसी के पास। सर हम जाते हैं आरओसी के पास और हम अप्लाई करते हैं आरओसी को। अभी फॉर्म बता दे रहा हूं, याद रहे अच्छी बात, ना याद रहे अच्छी ना बहुत से ज्यादा अच्छी बात। मेरे को ना थोड़ा ऐसा रहता है कि बस थोड़ा सा इंटरकनेक्टिविटी रहे चीजों में, तो मैं थोड़ा ऐसा बताता चलूंगा, तो मैं ऐसा दिल पे मत लेना, ठीक है? सर एप्लीकेशन जाती है, एक फॉर्म भराऊंगा INC 32। एक एप्लीकेशन जाती है इन द फॉर्म INC 32। तो ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है ना, ये आरओसी के पास जाती है, ठीक है? तो आरओसी का काम क्या रहता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम रहता है आरओसी का। सर सिर्फ इसी के लिए आरओसी बिठाते हैं क्या? नहीं, सिर्फ इसी के लिए नहीं बिठाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। आरओसी और आईएएस और आईसीएलएस ऑफिस, मतलब उसमें जो बैठते हैं वो लोग, दे आर दिस काइंड ऑफ पीपल, मतलब उनके पास ही अथॉरिटी रहती है। सेक्शन 7, यस करेक्ट, सेक्शन 7 इज द सेक्शन फॉर इनकॉर्पोरेशन। ओए तूने पढ़ा हुआ है ना, तो तू मजे ले रहा है यहां पे। तो सर आरओसी जो है दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली आरओसी की बात करता हूं, तो दिल्ली आरओसी इज एट, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस में जो है एक IFCI टावर है, और उस टावर के अंदर जो है आपका आरओसी बैठते हैं। सर आरओसी के सेम फंक्शंस होते हैं या वैरी करते हैं स्टेट टू स्टेट? नो, इट विल नॉट वैरी स्टेट टू स्टेट, फंक्शंस विल रिमेन सेम। आरओसी अलग अलग होते हैं स्टेट्स के, अभी मैं दिखाऊंगा, रुको एक मिनट, ठीक है? सर क्या आरओसी सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम देखता है क्या? नहीं। आप एक बार बताओ, हम जितनी भी इनकम्स कमाते हैं, आपने सुना हम उसकी ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो जैसे आप इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसमें आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है। कंपनीज में भी, कंपनीज को एक कंपनीज एक्ट में भी कंपनीज को रिटर्न फाइल करनी होती है, तो वो रिटर्न फाइलिंग का काम भी किसके पास जाता है, मतलब वो रिटर्न फाइल किसको होती है? आरओसी को। सर रिटर्न बोले तो, फॉर एग्जाम्पल आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, पूरे साल में आपने क्या करा वो आप फाइल करते हो टू द आरओसी, और वो फाइल होती है इन द फॉर्म MGT 7। सो आरओसी को हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। सर हम कोई भी रेजोल्यूशन पास करेंगे, कोई भी चीज फाइलिंग करनी होती है ना, तो आप देखोगे वो सारी फाइलिंग्स किसको जाती हैं? आरओसी को। यानी आरओसी के ये सारे काम रहते हैं, कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना, फाइलिंग्स हम करते हैं आरओसी को, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो ये सारी फाइलिंग्स किसको की जाती है? आरओसी को की जाती है। सर फिर आरडी का काम क्या होता है? पता है आपको कई सारे ऐसे कंपनीज बनानी होती हैं जिनके लिए आपको पहले कभी कोई अप्रूवल लेने पड़ते हैं, या आपको कई सारे ऐसे कोई काम करने पड़ते हैं जिनके लिए वो काम करने के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। वो अप्रूवल जो आपको लेना पड़ता है वो आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम द आरडी। तो यहां पर हम लिखते हैं आरडी जो होते हैं ना, ये आपको कुछ अप्रूवल्स देते हैं। आरडी आपको क्या देते हैं? कुछ अप्रूवल देते हैं कि क्या आप ये काम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, whether we are allowing you to do this activity or not, वो आपको आरडी प्रोवाइड करते हैं। और सर एमसीए जो है, ये एमसीए क्या करता है? सर ये एमसीए क्या करता है? तो ये जो एमसीए है ना, ये एमसीए आपका रेगुलेट करता है सारे आरडीज को, सारे आरओसीज को, ठीक है? सर आपकी लॉ में एग्जम्पशन आई थी क्या? हाँ सुनो सर, ये जो एमसीए है ये रेगुलेट करता है किसको? आरडीज को। और ये रेगुलेट करता है किसको? आरओसी को। एक बारी जरा ना 2 मिनट चलते हैं एमसी की वेबसाइट पे, उधर थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं। एमसी की ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पे पहले लिख लो, एमसी की ऑफिशियल वेबसाइट इज MCA.gov.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीए, MCA.gov.in। तो यहां पर हम आएंगे MCA.gov.in, this is the official website of MCA। ये मोदी जी आ गए सबसे पहले सामने मन की बात लेके, हर घर तिरंगा, 15th of August आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, ठीक है? दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCA।
अब ये जो आपको ऊपर टैब्स दिख रहे हैं ना, ये देखो ये जो टैब्स दिख रहे हैं, इनमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां हो गए तो आपको अबाउट एमसीए मिलेगा। मेन अपना यहां पर क्या काम रहने वाला है, ये वेबसाइट के दर्शन बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे या वेदर जब आप काम करोगे एक्चुअल में, जब आप सीए क्वालिफाई कर जाओगे और फिर आप जॉब करोगे, तो ये वेबसाइट आपको बहुत काम में आने वाली है। सर जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड टू कंपनी वो सारी इसी वेबसाइट से ऑपरेट होंगी। ये देखो यहां पर आप आओगे ना एमसीए सर्विसेज में, ये सारी फाइलिंग्स आपको यहां देखने को मिलेंगी। डीएससी सर्विसेज हो गया, किसी भी कंपनी का आपको मास्टर डेटा निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी का आपको मास्टर डेटा ढूंढना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन गो फॉर द मास्टर डेटा ऑफ द कंपनीज। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, एलएलपी फाइलिंग हो गया, कंपनी फाइलिंग हो गया, कंप्लेंट हो गया, इन्वेस्टर सर्विसेज हो गया, बाकी कुछ चीजें अभी नहीं भी समझ पाओगे कि क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है ठीक है, और इसके बाद सर एक्ट एंड रूल ये टैब देखते हैं, एक्ट्स एंड रूल्स। अगर कोई भी एक्ट आपको देखना है, अगर कोई भी एक्ट आपको देखना है तो यहां आप एक्ट पर क्लिक करेंगे और कंपनीज एक्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। कोई भी आपको कंपनीज एक्ट में कभी कोई सेक्शन देखना हो, कुछ भी देखना हो, तो आप कंपनीज एक्ट में आइए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, ये सब आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर। रूल्स अगर आपको देखने हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स हो गए, ठीक है, वो रूल्स आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो दिस इज द मिनिस्ट्री जो हैंडल करेगी किसको, कंपनी अफेयर्स के मैटर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे को जल्दी से लिख दो, यस सर। ये मिनिस्ट्री जो है ये हैंडल करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बोलो ना। हां जल्दी लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर मिनिस्ट्रीज जो है वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके नीचे कौन आएंगे, आरडी, उसके नीचे कौन आएगा, आरओसी। अब मैं बात करता हूं जुडिशियल अथॉरिटीज। सर अगर हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है, मान लो कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, तो तुम मैटर को कहां लेकर जाओगे? तुम बोलते ना ओए आई विल सी यू इन द कोर्ट। पर कंपनी में अगर सर कोई मैटर हो गया, मैटर हो गया, हाँ मैटर हो गया, अगर मान लो कंपनी के केस में कोई मैटर हो गया, कंपनी के केस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये डिस्प्यूट को कहां लेकर जाया जाएगा सर? कंपनी मैटर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, कंपनी मैटर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, ये सब रेफर किए जाते हैं कोर्ट में। नहीं, ये आप कोर्ट में लेकर नहीं जाओगे, सिविल कोर्ट में लेकर नहीं जाओगे, ये आप लेकर जाते हो टू द एनसीएलटी, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे ट्राइब्यूनल। सर ये सारी चीजें आप आज हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो मैं लॉ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बीच बीच में कुछ शब्द आएंगे, अब मैं वहां पर रुककर ये टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा कि यार देखो ये होता है, ये होता है। आज की क्लास और सिर्फ आज की क्लास का पर्पस ही यही है कि मैं तुमको वो सब इंट्रोडक्शन दे दूं, जो शब्द, जो वो शब्द कोश, वो वोकैबुलरी मैं यूज करने वाला हूं ना, उसका क्या मीनिंग है। तो जहां पर भी आप देखेंगे ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एनसीएलटी की। एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और ये जो ट्राइब्यूनल होगा इनके सामने आपकी हियरिंग्स कंडक्ट की जाएंगी और ये डिसीजन सुनाएंगे कि क्या इन्होंने अपना जजमेंट दिया। सर अगर मान लो हम इनके केस से सैटिस्फाइड नहीं, इनके जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं है, तो क्या हम इनके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? यस सर, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील जाती है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। अगर आपको एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भेजनी है तो ये अपील आपकी जाएगी टू द एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एक बच्चा पूछ रहा है सेबी का मैटर कहां जाता है? सेबी का मैटर जाएगा सैट में, सैट का होता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जो हैंडल करेगा आपकी अपील्स, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर अगर मान लो हम एनसीएलटी के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं क्या? यस सर, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलएटी।
और ये अपील जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास। ये अपील आपकी कहां जाएगी सर? सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आई बात सर? ये अपील हमारी कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। सर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्या वो बिल्कुल एकदम फाइनल हो जाएगा? यस सर, वट एवर द सुप्रीम कोर्ट सेज बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। सर उसको भी खारिज किया जा सकता है क्या? लॉ ही बदल दो तो वो भी खारिज हो जाएगा, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर कोई अपील नहीं जाती। सर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी अपील लग सकती है क्या? अपील नहीं लग सकती, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप उसके लिए मर्सी पिटीशन डाल सकते हो कि सर हमको प्लीज रिलीफ दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बट वो भी हर केस में एक्सेप्ट नहीं होती है। सो दीज आर द जुडिशियल अथॉरिटीज अंडर कंपनी लॉ, जहां पर आपका मैटर जाएगा, पहले एनसीएलटी में, फिर जाएगा एनसीएलटी पे, और अगर एनसीएलटी से भी आप डिससेटिस्फाइड हो तो फिर आपका मैटर कहां चला जाएगा? टू द सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या दे देंगे? अपनी जजमेंट दे देंगे। समझ में आ गया? जल्दी से बोलो। यस सर, बोलो 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 ना बोलो ना बोलो ना। हाँ, इज इट क्लियर? यस सर, आगे चलते हैं। सर अब थोड़ा सा खोलना शुरू करते हैं किसको? कंपनी लॉ को। दैट इज लिखें कंपनीज एक्ट 2013। सर ये जो पूरा एक्ट है ना ये, अच्छा किसी को पता है कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? चलो तुमसे पूछते हैं, पढ़ के आए ना तुम लॉ, कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस हैं जल्दी बताओ? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013 की मैं बात कर रहा हूं। बोलो बोलो, कोशिश करो, बोलो बेटा, बोलो बोलो। कह रहे हैं कितना तेज है ये नीरज, कितना तेज है, कह रहे हैं 200 प्लस। अभी से एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर ये कह रहा है भैया 200 से तो ऊपर ही है। कितना डिप्लोमेटिक आंसर दिया ना इसने कि एकदम ऐसे बच के निकल लिया एकदम, कह रहा है 200 प्लस। सर कितने लेक्चर यूट्यूब पर लाइव रहेंगे? अभी 5 लेक्चर तक तो अपन लाइव रहेंगे, उसके आगे देखते हैं। कह रहा है 200 प्लस। सर कंपनीज एक्ट में नंबर ऑफ सेक्शन, वेरी गुड सर, कंपनीज एक्ट में नंबर ऑफ सेक्शन है 470 सेक्शन, और ये जो 470 सेक्शंस है ना ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एंड देयर आर 7 शेड्यूल्स आल्सो। सर ये शेड्यूल्स में क्या है? ये शेड्यूल शेड्यूल क्या है? ये फगली फगली क्या है? सर ये 7 शेड्यूल्स में क्या लिखा हुआ है? ये 7 शेड्यूल्स में ना, जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज, हमको कोई चीज हमको अटैच करनी होती है, कोई अनेक्सर डालना होता है, तो हम जो अपना कुछ ऐसा फाइल बनाते हैं उसके लास्ट में एनेक्सर डाल देते हैं, तो ऐसी कंपनीज एक्ट के लास्ट में कुछ ऐसे शेड्यूल्स डले हुए हैं जिसमें कुछ फॉर्मेट्स बताए गए हैं। जैसे एक शेड्यूल तुमने सुना हुआ है, एक शेड्यूल तुम सुन के आए, दैट इज शेड्यूल 3, जिसमें तुमने बैलेंस शीट बनाई होगी। अबे ललुओ हां करो, ये तो तुम सुन के आए हो, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, ये तो हम सुन के आए हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, ये तो हम सुन के आए हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। तो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो फॉर्मेट हो गया। आपने सीएसआर सुना है? सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुना है? थोड़ा सा कहीं किसी ने सुन रखा हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? पता है ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कि कई सारे कॉर्पोरेट जो है दे आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, यार इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हो सोसाइटी के लिए, तो इट इज योर मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप सोसाइटी के प्रति भी क्या कीजिए? कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। सो इसका एक सेक्शन रहता है, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना आपने? हाँ सर सुना। सीएसआर, तो वो सीएसआर के जो फॉर्मेट्स है, किन एक्टिविटीज में सीएसआर करना है, क्या वो फॉर्मेटिंग है, वो सब भी दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 7 में। तो ऐसे शेड्यूल दिए हुए, देयर आर 7 शेड्यूल्स, टोटल 470 सेक्शंस हैं और 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, कंपनीज एक्ट 1956 में देयर वर 658 सेक्शंस, यू नो हाउ मेनी सेक्शंस? 658 सेक्शंस। सर तब 658 सेक्शंस हुआ करते थे, और आज
470 सेक्शन है, क्या लग रहा है देख के, क्या लग रहा है देख के? सर खुशी सी तो हो रही है हमको कि अच्छा हुआ हम 1956 तो नहीं पढ़ रहे हैं, 658 सेक्शन थे, देर वर 658 सेक्शंस और आज 470 सेक्शंस हैं। सर अच्छा हुआ हम 2013 पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ 470 सेक्शन पढ़ने। सर ये आपके मन का वहम है, जो 658 सेक्शन में था ना वो इन्होंने कंपाइल कर 470 में उतारा है। यार सर सेक्शंस मर्ज हुए हैं, पहले जिस चीज के लिए अलग अलग सेक्शन हुआ करता था इन्होंने इसको यहां लाकर सबसेक्शन बना के डाल दिया। ठीक है, तो कोई ज्यादा खुश होने वाली बात है नहीं है, ये सब मर्ज होकर अब 470 सेक्शंस में निपट गए हैं। और ये 470 सेक्शंस जो है ना इसको मैं तीन कैटेगरी में खोल सकता हूं। सर इसमें एक रहने वाला है सबसे पहला आपका सेक्शन नंबर 1, एक रहेगा सेक्शन नंबर 2 और फिर सेक्शन 3 से कहानी स्टार्ट होगी असली सेक्शन नंबर 470 तक पूरे कंपनीज एक्ट की। सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम बात करते हैं टाइटल, किस एक्ट का टाइटल क्या होगा? सर टाइटल होगा कंपनीज एक्ट 2013। सर एक्सटेंट, ये एक्ट कहां एप्लीकेबल होगा? ये एक्ट एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया। सर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है कि ये एक्ट कब से फोर्स में आया, कमेंसमेंट कब से ये फोर्स में आया। तो आपको पता है ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना ये फेज्ड मैनर में फोर्स में आया था, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार इसके सारे सेक्शंस इंप्लीमेंट हो गए थे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पर इसके पहले कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल हुए, मतलब कुछ इफेक्टिव हुए, फिर कुछ इफेक्टिव हुए, फिर कुछ इफेक्टिव हुए, तो वो डेट्स अभी अपने उसमें नहीं जाना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि कमेंसमेंट में लिखा रहता है कि कब से वो इफेक्टिव हुआ। तो सेक्शन 1 जब आप खोलेंगे ना तो आपको सेक्शन 1 में तीन चीजें मिलेंगी, क्या क्या? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल बोले तो कि ये लॉ का टाइटल क्या है, दूसरा इसका एक्सटेंट क्या है, किस किस पर एप्लीकेबल होगा। सर ये इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा। हाँ सर ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा, अभी मैं सेक्शन 1 तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास से। और कमेंसमेंट कि कब से इफेक्टिव हुआ, ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन 2 में यू विल गेट द डेफिनेशंस, जितने वर्ड्स इस पूरे एक्ट में यूज होने वाले हैं वो डेफिनेशंस एक साथ इन्होंने कहां दी हुई है सेक्शन नंबर 2 में। सर कितने डेफिनेशंस हैं, आप मान के चलो मोटा मोटा 95 डेफिनेशंस अप्रॉक्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। ठीक है, 95 डेफिनेशंस अप्रॉक्स आपको मिलेंगी। और सेक्शन 3 से कहानी स्टार्ट होती है द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, द लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर लीगल प्रोविजंस जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 से, वो स्टार्ट होने वाले हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 से। समझ में आ गई कहानी? हाँ सर आ गई। सीएसआर क्या है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट लेकर आए। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी पड़ती है ना, तो कॉर्पोरेट्स के लिए ना वो मैंडेटरी है कि आपको करनी ही करनी है। ठीक है, कॉर्पोरेट्स के लिए वो मैंडेटरी है, तो ऐसा करके एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक क्लियर है? एकदम मेरे को बताओ यहां तक मामला क्लियर है? सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 470 में आप क्या पढ़ने वाले हो? लीगल प्रोविजन। चलो एक चीज बताओ, तुमको एक सेक्शन पढ़ाऊं कंपनी लॉ का, क्या बोलते हो? एक सेक्शन पढ़े कंपनीज एक्ट का, सर आज एक सेक्शन तो बनता है, क्या एक सेक्शन अपन स्टार्ट करें कंपनीज एक्ट का? यस सर, एक सेक्शन तो स्टार्ट करना बनता है। सर आज हम सबसे पहले एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर, लिखो 469। है सर ये क्या तरीका है? हे हरिराम प्रेमानंद, ये क्या हुआ सर? आप सीधा कहां पहुंच गए 469 पे, ये क्या चल रहा है सर? अरे सुनो तो सही, लॉ को ऐसे ही पढ़ा जाता है,
सुनो तो, सेक्शन 469 क्या बोलता है? ऐसे नहीं ना कि आए कुछ भी पढ़ाया और निकल लिए, ऐसा नहीं होने वाला ना, यही तो मैं तुमको समझा रहा हूं। सेक्शन 469, सर 469 में ऐसा क्या लिखा है? अभी मैंने तुमको बोला कि क्या एक्ट और लॉ सेम होता है, तो तुम बोले नहीं, एक्ट और लॉ अलग अलग होते हैं। लॉ में सर एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आती हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन आती है, चलो ठीक है मुझे सब समझ में आ गया, लॉ के अंदर ये सब कुछ आता है। सर एक चीज बताओ, ये जो रूल्स होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा, रूल्स में और रेगुलेशन में क्या फर्क है? एक तो ये भी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, रूल्स जो होते हैं ना वो ये गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, और रेगुलेशन जो है ना वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बनाती है। लाइक रेगुलेशन सेबी बनाता है, सेबी की रेगुलेशन हो गई, IRDA रेगुलेशंस हो गई, तो रेगुलेशंस ये अथॉरिटीज बनाती हैं, ठीक है। सर ये जो रूल्स हैं, हमें रूल्स की जरूरत क्या है? मैं आपको बताऊं, ये जो आप प्रोविजंस की बात कर रहे हो ना, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 470, आप एक बार इधर आओ, इधर आओ। मैं गया एक्ट में, मैंने खोला कंपनीज एक्ट, और जब मैंने कंपनीज एक्ट खोला, लेट से रैंडमली कोई भी सेक्शन खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो 7 खोल लो। अब आप एक चीज नोट करो, मैंने सेक्शन 7 खोला, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आप पाओगे कि इस सेक्शन में एक शब्द लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइन बाय द सब्सक्राइबर। अभी मुझे कुछ नहीं पता सब्सक्राइबर क्या है, मेमोरेंडम क्या, आर्टिकल क्या, मैं वो सब नहीं सिखा रहा, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर टू बी साइंड बाय सब्सक्राइबर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी क्या हुआ कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं, मुझे ये लाइन पढ़ के ये समझ में आ रही है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो सब्सक्राइबर साइन करेंगे, पर वो मैनर कहां लिखा हुआ है, किस मैनर में, वो मैनर कहां लिखा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब आप पाओगे लॉ में बहुत जगह आपको क्या लिखा रहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये मैनर कहां लिखा रहेगा, ये मैनर लिखा रहेगा रूल्स में, ये देखो ये मैनर कहां लिखा रहेगा, रूल्स में। यानी कि जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं ना, उसमें लीगल प्रोविजन आएंगे, बट उस लीगल प्रोविजन को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, रूल्स। मेरी बात सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम टेलिंग टू यू। वो एक्ट में जो प्रोविजन लिखे ना, मेरे साथ सुनो, ओए इधर सुनो, जो एक्ट में प्रोविजन लिखे ना, वो प्रोविजन को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, रूल्स। पता है जो कंपनीज एक्ट है ना, ये एक स्केलेटन अप्रोच पे बना है। सर कौन सी अप्रोच पे, स्केलेटन अप्रोच पे बना है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, ढांचा। तो ये एक ढांचे की अप्रोच पे बना है कि जो प्रोविजंस होंगे, मेन प्रोविजंस होंगे, वो हम एक्ट में रखेंगे, पर सारी चीज अगर हम एक्ट में डाल देते तो सेक्शंस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। अगर हम सारी ही चीज कहां पे डाल देते, एक्ट में डाल देते, तो सेक्शंस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। तो इन्होंने बोला जो मेन कॉन्टेंट है वो आप एक्ट में रखिए, और उसके बाद जो सपोर्टिंग कॉन्टेंट है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्टेंट है, वो आप रूल्स में डाल दीजिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट को, तुम्हें पता है, रूल बेस्ड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इसे बोलते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। सर ये एक ऐसा लॉ है जो रूल बेस्ड लॉ है। रूल बेस्ड लॉ बोले तो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, मतलब कि सर ये एक ऐसा लॉ है जो रूल बेस्ड चलता है। कैसे बोला मैं, रूल बेस्ड चलता है, मतलब इसकी आधी कहानी एक्ट में लिखी है, और आधे से ज्यादा कहानी तो मैं बोलूंगा कुछ कुछ सेक्शंस की रूल्स के अंदर लिखी हुई है। मतलब कुछ ऐसे भी सेक्शन होंगे जहां सेक्शन में तो सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, उसमें तो एक लाइन लिख के छोड़ दिया, बट पूरा ओपीसी क्या होता है वो डाल दिया कि जाओ रूल से समझ कर आओ कि ये ओपीसी क्या होता है। तो रूल्स विल बी सपोर्टिंग द एक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। पर सर अगर ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये रूल्स बनाता कौन है, और ये रूल्स बनाता कौन है? सर ये रूल्स बनाता है MCA। ये रूल बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगा, और रूल्स बनाने की पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हम पूरे कंपनीज एक्ट में जब CG बोलेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। यानी कि ये जो सेक्शन 469 है ना, ये मैंने ऐसे हवा में नहीं लिख दिया, ये सेक्शन 469 गिव्स द पावर टू मेक रूल्स टू CG। ये 469 सेक्शन जो है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो। CG बोले तो MCA, ये पावर देता है क्या बनाने की, रूल्स बनाने की, किसको, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर ये पावर किसने दी, सेक्शन 469 ने, और सेक्शन 469 की पावर को यूज करते हुए CG
हर चैप्टर के लिए क्या बना के बैठा है, रूल्स बना के बैठा है। आप ये देखो, सीजी ने हर चैप्टर के लिए रूल्स बना रखे हैं। अगर आप रूल्स में जाएंगे और कंपनीज एक्ट में रूल्स आप देखेंगे, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स, डिटेल्स रूल्स, नंबर ऑफ लेयर रूल्स, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, प्रोस्पेक्टस रूल्स, जीडीआर रूल्स, फिर उसके बाद आपका शेयर कैपिटल रूल, डिपॉजिट रूल, चार्ज रूल, मैनेजमेंट रूल, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल, ये जितने रूल्स एमसीए ने बनाए, ये जितने रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, ये कौन सी पावर को यूज करते हुए बनाए? सर 469, सेक्शन 469 गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आप क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो। अब थोड़ा सा और एक लेवल अप इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहोगे, सुनो, सेक्शन 469 पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप रूल बना सकते हो। पर सेक्शन 469 किसका? कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट यू कैन मेक द रूल्स। सर 469 कंपनीज एक्ट का है और कंपनीज एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया। बोलो हां जल्दी। सर कंपनीज एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया, यार चैट में लिखा करो, कंपनीज एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया। तो यानी एक तरीके से अगर मैं बोलता हूं 469 पावर दे रहा है एमसीए को कि आप रूल बना सकते हो, तो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रूल बना सकते हो। जल्दी लिखो, हां, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ही तो पावर दे रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप क्या बना सकते हो, रूल बना सकते हो। और अगर सर पार्लियामेंट पावर दे रहा है अपनी कि चलो हम नहीं कर रहे, हम एक्ट बना देंगे, तुम रूल बना देना, हम तुम्हें डेलीगेट कर रहे हैं कि ठीक है तुम रूल्स बनाकर इस लॉ को पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो दैट इज वाई कंपनीज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सर ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जहां पर पावर्स डेलीगेट कर दी गई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप क्या बना सकते हो, रूल्स बना सकते हो। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आई एम श्योर यू हैव रेड दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये पहली बार तुम लोग ने सुना होगा। हम लोग सर भले ही कितना कंपनी लॉ पढ़ के आए बचपन में, हमने नहीं सुना होगा दिस। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट मेड द कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 469 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रूल बना सकते हो, तो कहीं ना कहीं सर पार्लियामेंट ही तो पावर दे रहा है किसको? लोकसभा राज्यसभा ही तो पावर दे रही है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रूल बना सकते हो। और वो पावर्स जो डेलीगेट की गई हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंपनीज एक्ट को हम रूल बेस्ड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, कंपनीज एक्ट को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? सर एमसीए किस किस चीज के लिए रूल्स बनाएगा? हर जगह जहां जहां पूरे एक्ट में लिखा देखेंगे ना, As may be prescribed, समझ जाना पार्लियामेंट सीजी उस चीज के लिए क्या बनाएगा? रूल्स बनाएगा। इज इट क्लियर? सीजी उस चीज के लिए क्या बनाएगा? रूल्स बनाएगा। तो एक सेक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये पढ़ाना मेरे को जरूरी था कि 469 सेक्शन जो है वो ये बात करता है सर कि रूल कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। द रूल्स विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां सीजी का मतलब क्या रहने वाला है? एमसीए। एक बार चैट पे जल्दी से लिख दो सब लोग, यस सर, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एक बार प्लीज 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 चैट पे लिख दो यस सर, हमको एकदम सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी लिखो। देखो तुम्हारा काम रहेगा ये सब लोगों के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि भाई जल्दी लिखो। प्रज्वल मुझसे लॉ पढ़ा हुआ है ना, जल्दी लिखें, लिख दो यार, लिख दो ना। चलो चले आगे। यस सर। अब सर एक बार बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है जो 469 सेक्शन है ना उसने पावर दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई तू ये बना। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिजनेस स्टडीज में था ना, अपना अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं हम किसी और को, अपना काम किसी और को दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहां पर पार्लियामेंट ने 469 सेक्शन में एक पावर डेलीगेट कर दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि रूल्स आप बना सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए रूल्स बनाए भी। सो दिस इज कॉल्ड अ डेलीगेटेड लॉ, जहां पर लॉ को डेलीगेट कर बनवाया गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, चलो सर एक चीज बताओ। सर सुनो ना, एक चीज बताओ कि ये
आप बात कर रहे हो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एनसीएलटी, जुडिशियल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर ली, आप हमें एक चीज ये बताओ कि ये कंपनीज कितने टाइप की होती है सर, कंपनीज कितनी है इंडिया के अंदर? तो एक डेटा तुम्हें दिखाता हूं, इधर आओ, हाउ मेनी कंपनीज आर प्रेजेंटली एक्टिव इन इंडिया, आप फिगर नोट करो, 17,32,438 कंपनीज आर एट प्रेजेंट एक्टिव इन इंडिया। सर ये जो डेटा आप उठा के लेके आए हो ये कहां से लाए हो? तो मैं कहीं से नहीं उठाया, ठीक है, एमसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पूरा डेटा आपको मिलेगा और वहां से ये डेटा सोर्स वहीं से ही है, ठीक है, वहीं से लाया गया है। सर क्या अभी तक भारत में 17,32,000 कंपनीज ही है? नहीं। क्या आज तक इतनी कंपनीज ही बनी है? नहीं, कंपनीज बनी है इससे भी कई ज्यादा, बट ये इस समय एट प्रेजेंट एक्टिव कंपनीज हैं जो अभी ऑपरेट हो रही हैं, जिसमें ये लिमिटेड बाय शेयर्स कितनी है 17,20,136 कंपनी, अनलिमिटेड कंपनीज कितनी है 313 कंपनीज, सर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कितनी है 11,989 कंपनी, 11,989 कंपनीज। फिर इसमें भी देखो पब्लिक कंपनी कितनी है, इतनी है, उसमें भी अनलिस्टेड इतनी है, लिस्टेड इतनी है। सर ये लिस्टेड क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, सुने सुने, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, ओए लड़ो मत, ओए चैट पे लड़ो मत यार, लड़ो मत, अनलिमिटेड कंपनीज हैं, अनलिमिटेड में भी कितनी पब्लिक है कितनी प्राइवेट है, लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें कितनी प्राइवेट है कितनी पब्लिक है। सर ओपीसी कितनी है, ओपीसी बोले तो 58,399 1% कंपनीज बनी हुई है, यानी ये इतनी सारी कंपनीज जो है इस समय इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। और मैं तुमको एक डेटा समरी और दिखाता हूं, इधर देखो इतनी कंपनीज जो है इसमें से कितनी कंपनीज क्लोज हो गई है, देखो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया इज 27,10,495, आज तक कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर हुई 27,10,495 कंपनी रजिस्टर हुई, जिसमें से इतनी अभी एक्टिव है, इतनी क्लोज हो चुकी है, वो क्लोज का भी इन्होंने बायफर्केशन दे रखा है कि सर ये 12,637 कंपनीज जो हैं ये डिसॉल्व हो चुकी हैं, इनका अमैलगमेशन हो गया है, ये एलएलपी में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है, इनका कुछ स्ट्राइकिंग ऑफ चल रहा है, कोई लिक्विडेशन में है, कोई डॉर्मेंट है। सर ये शब्द अभी सारे हमारे ऊपर से जा रहे हैं, तो जाएंगे आई नो, क्योंकि अभी ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अभी कंट्री के अंदर कितनी कंपनीज हैं। इधर देखो सर कितनी कंपनीज और हैं, कंपनी में पब्लिक कितनी है, प्राइवेट कितनी है, उसमें भी गवर्नमेंट कंपनी कितनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी कितनी है, सर ये सब हमको जानना है ना, बिल्कुल सर ये सब हमको पढ़ना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, फिर उसमें भी ये डॉर्मेंट एक शब्द आ रहा है सर, डॉर्मेंट कंपनी कौन सी होती है, ये सारी टाइप ऑफ कंपनीज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में आप यहीं से स्टार्ट करेंगे सर, कंपनी होती क्या है। आज मैंने तुम्हें बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, और कंपनीज एक्ट में वो सब बातें बताई जो हमको आगे काम में आने वाली हैं, और भी कुछ बातें हैं वो मैं साथ साथ बताता चलूंगा, बट अब कहानी यहां से शुरू होने वाली है। सर ये तो हमको सब समझ में आ गया, एमसीए क्या है, रूल्स क्या बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमको सब क्लियर हो गया, पर मुद्दे की बात तो ये आते हैं ना कि ये पूरा कंपनीज एक्ट लगने किस पे वाला है। सर वो लगने वाला है कंपनी के ऊपर, और अब मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही खड़ा है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, और कंपनी कितने टाइप्स की है, ये सब कंपनीज कौन सी होती हैं, बस यहीं से हम चर्चा स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल। एक बार चैट में तुम मेरे को लिखकर बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है, और वीडियो के एंड होने के बाद इसको शेयर जरूर करना सबके साथ, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करके जाना, डू शेयर योर फीडबैक, बिकॉज ऑन योर फीडबैक पीपल विल बी एबल टू रिलाय, सो गिव योर जेन्युइन फीडबैक्स, पक्का एकदम लिख के जाना, ठीक है, चलो। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। ये मैं हमेशा बोलता हूं, हर क्लास के एंड पे बोलूंगा कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। देखो इतना बड़ा कोर्स है,
वी हैव टू स्टडी दैट मच गुड बिकॉज कोई हमारे कामयाब होने का, कोई हमारे पास होने का, कोई हमारे सीए बनने का, कोई हमारे सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज 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 स्टडी वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर सक्सेस. मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर अदर टीचर्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड. कीप वर्किंग वेरी हार्ड. Someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.